अब बस बता देना आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल है कि नहीं, स्क्रीन क्लियरली विजिबल है। वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट नंबर टू फर्स्ट, ठीक है, यूनिट नंबर टू यहां से शुरू होता है। सर यूनिट नंबर टू का नाम क्या है, क्या नाम है, सुनाई नहीं दिया, कंसिडरेशन। यूनिट टू का नाम है कंसिडरेशन। तो सबसे पहली चीज तो देखो, अब इसी यूनिट को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया। पढ़ाई बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, बस उसको छोटा करना आना चाहिए। चार पार्ट में डिवाइडेड है, पहला है डिफाइन, दूसरा है लीगल रूल्स रिलेटेड टू कंसिडर। कितने लीगल रूल है, सात। एक्चुअली यूनिट वन टू थ्री की सबसे बड़ी खासियत क्या है, मैंने यूट्यूब पर भी कराया था ये, तब यही बोला था, सारी कहानी सात की है। इसीलिए तो इससे क्वेश्चन जो आता है ना यूनिट टू से, वो सात ही नंबर का आता है। जो यूनिट टू, देखो यूनिट टू किस लिए फेमस है पता है, टू का ए। तुम घर जाके पेपर एनालिसिस कर लेना, टू का ए सात नंबर के क्वेश्चन के लिए सबसे फेमस है, क्योंकि इसमें कंटेंट ही वैसा दिया हुआ है। आप देखो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें आता है, उसमें सेवन एसेंशियल सेवन एक्सेप्शंस है। इसमें लीगल रूल्स आता है, उसमें भी सात है, और नीचे जो अग्रीमेंट विदाउट कॉन्ट्रैक्ट आता है उसमें भी सात है, और ये सात नंबर का आता है पेपर में। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सारे के सारे पॉइंट लिखेंगे, साफ सीधा क्वेश्चन। अब बच्चा बोलता है ना कॉन्ट्रैक्ट डिफिकल्ट, अबे रट के चला जाओ उसको साथ साथ, साथ में तो सात नंबर ऐसे ही आ जाएगा पेपर में। और पहला जो केस स्टडी होता है ना, उसको कभी पहले मत पढ़ा करो, वो इजी होता है पर पहले पढ़ने में फट जाती है, क्योंकि घर से क्या सोच के आए, यार पहला केस स्टडी कॉन्ट्रैक्ट का आएगा, हम तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक से किए नहीं है। और ये तुम्हारी बात नहीं है, पूरे इंडिया का यही हाल है, ठीक है, पूरे भारत देश का सेम हाल है। जो भी बच्चा जब जा रहा होता है ना, वो सब एक्ट में कॉन्फिडेंट है, लेकिन पता नहीं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट का एक अलग से फियर है। उसका रीजन क्या है पता है, वो बड़ा है। कोई रीजन नहीं है, सिर्फ एक ही रीजन है कि वो बड़ा है, क्योंकि बोरिंग वो बिल्कुल नहीं है, इंटरेस्टिंग वो बिल्कुल है, इजी वो बिल्कुल है। चलो हम तुमको एक चीज बताते हैं, मैंने अब क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, बट ये सेम डे तो अपलोड होगा नहीं, 1 जून के बाद ही होगा। तो 1 जून को जो सरप्राइज आ रहा है ना, जो यहाँ पर आए, जो मैंने बोला भी था यूट्यूब पे, जो लोग फॉलो कर रहे हैं कि एक सरप्राइज आ रहा है, सरप्राइज आ रहा है, सरप्राइज आ रहा है, हाँ, तो वो सरप्राइज ये है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने एग्जाम्पल हैं किताब में, ठीक है, जितने, वो सारे एग्जाम्पल की मैंने एक PPT बनाई है, और उसको मैं यूट्यूब पर लाइव कराऊंगा हर एक एग्जाम्पल को, ठीक है। जब वो हर एक एग्जाम्पल आप कर लेंगे ना, उन्हीं में से एक पेपर में उठ के आएगा। क्योंकि आप देख लो पिछले 10 अटेम्प्ट की आप सारी केस स्टडी अपने सामने निकाल लो, ठीक है, जो वो भी हम 108 में करवा रहे हैं, हर एक केस स्टडी एग्जाम्पल से ही उठ के आई, खाली टॉपिक का और पार्टी का नाम बदल गया। कभी सीना मतलब कभी सीना विद्या मंदिर पहुंच जाती है डांस करने, कभी कहीं और पहुंच जाती है डांस करने, पार्टी का नाम बदल जाता है, डांसर वही है, सीना या तो बार में नाच रही है या मंदिर में, ठीक है। पता नहीं सीना जैसे ही आता है ना, मेरे मुंह से बाहर ही निकलता है पहले, मंदिर तो पता नहीं सीना नाम से मंदिर आ ही नहीं रहा अंदर से, ठीक है, सरस्वती हो नाम से तो मंदिर आए, सीना से तो पहले मेरे मुंह से 2 बार तो पता, पिछले बैच में तो शीला निकला था, बच्चा लोग इतना बदतमीज, हम शीला बोला, बोलो शीला की जवानी, ठीक है। तो आना सर, डिफाइन लीगल रूल्स प्रिविटी और अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन। चलो सर देखते हैं, सबसे पहले अगर कंसिडरेशन को आप डिफाइन करेंगे तो ये डिफाइन में क्या बोलता है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, एक लैटिन टर्म है क्विड प्रो क्यो, मीन्स जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा आपको बदले में हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। कैन बी टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एब्सटेन का मतलब कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। अगर आप ये डेफिनेशन ध्यान से देखो ना, तो इसके अंदर लीगल रूल्स ऑलरेडी छिपे हैं, बस देखने की नजर चाहिए। कैन बी टू डू समथिंग का मतलब कैन बी पॉजिटिव, नॉट टू डू समथिंग हो गया नेगेटिव, ऊपर हो गया समथिंग इन रिटर्न, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। आओ सर देखें एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन, सीढ़ी दिखाई दे रही है, सीढ़ी दिखाई दे रही है, सीढ़ी एकदम क्लियर है, पहले वाली सीढ़ी के पहले हिस्से पे चलो। कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए, जैसे हमारी एक स्टूडेंट हुआ करती है दीपा, बहुत मशहूर है दीपा, ठीक है, हर जगह बड़ी मशहूर है दीपा। तो अगर दीपा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, कि दीपा की हम लोग शादी करा दें, इस अटेम्प्ट के बाद हम लोग दीपा की शादी करा रहे हैं, ठीक है, तो कन्यादान हम ही करेंगे। तो कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, अब दीपा की शादी करा रहे हैं, उसके लिए दीपा की शादी, अब दीपा की शादी करा रहे दहेज तो देना पड़ेगा, तो दीपा की शादी में जो दहेज हम अपनी तरफ से देंगे, ठीक है, हाँ हाँ एकदम, ये एकदम ठीक है, क्योंकि दीपा की शादी के लिए हम ही को दहेज देना, हमको पता है। सो इट इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है, कि दहेज देना है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडरेशन कैन बी एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एब्सटेन मतलब नहीं करना, इट्स नेगेटिव। अब देखो ऊपर बोलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है जिसमें बच्चा लोग जबरदस्ती का कंफ्यूज होता है, कंसिडरेशन मूव्स फ्रॉम द प्रोमिसर, और दूसरा कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। इसका मतलब क्या है,
देखो सर, आपका आप किसी भी एजुकेशन सेंटर से पढ़े हो, आज मैं नाम नहीं ले रहा, कहीं से भी आप पढ़ के आए हो, जहां पर भी आप पढ़ने गए थे फीस तो सामने वाले ने ली थी ना। आप यहां पर बस से आए होगे या कैब से आए होगे। अब जो लोग कैब से आए उसमें उबर में, उबर ने रेट दिखाया कि तुमने उबर को रेट दिखाया? उबर ने दिखाया ना, उबर ने बोला सर देखो सर 2 घंटा का रेट है आपका 130 रुपया लगेगा। तो कंसिडरेशन हमेशा डिसाइड कौन करता है? प्रॉमिस सर, सर मतलब जो देने वाला है। लेकिन जो मूव किसके साइड से करती है, मूव मतलब पहले कौन देता है पैसा, किसने दिया? तुमने दिया ना प्रॉमिसी। अब वो पैसा तुमको कहां से मिला? पापा से मिला ना। अरे पापा ने दिया ना, बोली प्रॉमिसर से। टैक्सी वाला सामने से पैसा देगा ना, लो मैम 200 रुपया, ला हमको तो 200 रुपया। अरे नशा मुक्ति केंद्र, यहां पर भी गांजा फूक किया है सुबह सुबह बेसराम। सुबह सुबह डिमांड करना है, खाया नहीं है कुछ। अरे भूखे पेट सबसे अच्छा पढ़ाई होता है, समझ में आया? अभी खा लेगा तो फिर नींद आने लगेगा, है ना। उसको देखो तो नींद ही से उठ के आया बेचारा, मुंह धोया है ना, नहलाने का बंदोबस्त करें? अरे अंदर जकूजी भी है। हाँ देख, ITJEE, हाँ ITJEE वाला लोग परेशान हो जाता है ना, टीचर वीचर पढ़ा उड़ा के बच्चा लोगों दिन भर मैच मस्त जकूजी। नानकुल सर वहीं बैठे हुए, चले मत जाना बाहर, देख भरोसा उठ जाएगा तुम्हारा भगवान से, है ना। तो कंसिडरेशन मैंने जो बोला था ना ट्रिपल नोट, वो प्रॉमिस सी देता है या प्रॉमिसी के बिहाफ पे कोई और देता है। जैसे आपके भाड़े की फीस अभी तो दी आपने टैक्सी वाले को, लेकिन वो पैसा आपको किससे मिला? पापा से, है ना। तो प्रॉमिसी कंसिडरेशन देता है, प्रॉमिसी खुद भी दे सकता है या प्रॉमिसी के बिहाफ पर कोई और भी दे सकता है। नेक्स्ट सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट, कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। आपने पहले किसी के लिए कुछ किया और वो आज आपके लिए कर दे, प्रेजेंट में आप आज किसी के लिए कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको आज मिल जाए, और फ्यूचर में हो जाएगा आपने फ्यूचर में कुछ देना है जिसके लिए बेनिफिट आप आज काम कर रहे हो। आप फ्यूचर में जाके CA बनोगे उसी के लिए तो आज रोज पैर दिमाग शरीर घिस रहे हो बैठ के, वरना तो आराम से बैठ के घर में एकदम रात में नेटफ्लिक्स देख के आज सो रहे होते सैटरडे नाइट को, ठीक है। अब हमारा भी सिंपल है, अब हमें चाहिए हमारे यूट्यूब के वीडियोस पे व्यूज भी सबसे ज़्यादा हो, हमारी रैंक भी सबसे ज़्यादा हो, और इंडिया के नंबर वन एजुकेटर भी हम बने। तो घिसा रहे हैं अपनी बैठे बैठे यहाँ पर, और क्या, सीधी सी बात है। प्रेजेंट में कर रहे हैं, ठीक है, कि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और हमारे माता पिता ने जो हमारी पढ़ाई पर पास्ट में खर्चा किया है उसकी रोटी आज तोड़ रहे हैं, ठीक है। हम सुबह सुबह उठे, हम बोले मम्मी जा रहे हैं आज पढ़ाने के लिए, तो इसमें अलग क्या, आज फेस टू फेस पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट शुड नॉट, अच्छा कंसिडरेशन की सबसे बड़ी बात क्या है, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं, ठीक है। अब मतलब मान लो जैसे नौरा है, ठीक है, हमको नौरा से बहुत मोहब्बत है, ठीक है। अब नौरा आए, नौरा बोले कि देखो गुप्ता जी तुम याला तुम्हारा फोन हमको बड़ा पसंद है, तो हमको 2 रुपये में दे दो, हम दे देंगे, हम फ्री में दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्री में दे दूं ना तो ये कंसिडरेशन नहीं होगा, लेकिन अगर मैं 2 रुपये में ही दूं, भले ही वो 1.5 लाख का है, मैं 2 रुपये में दूं, कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है, आपके प्यार मोहब्बत के मैटर में कोई और नहीं बोलेगा। ऑब्वियस सी बात है, मेरे को 2 रुपये, मेरे को 1.5 रुपये में देना, मैं दे दूंगा, कोई नहीं रोक सकता मेरे को। लेकिन उसके बदले में मेरे को भी कुछ मिलना चाहिए, ऑब्वियसली। हम तो भाई 1.5 रुपये में दे देंगे, बदले में हमको शादी करना है, सीधी सी बात, हमको बदले में शादी करना, अभी रजिस्टर्ड मैरिज, जिसमें बाद में अगर वो हमको डिवोर्स दे भी तो हमको एलमनी तो मिले कम से कम। हाँ हम ही को मिलेगा, वो एक डांस में 5 करोड़ कमाती है, हम साल भर का कमाते हैं, तो इतने में तो देगी हमको एलमनी। बोली लड़का ही देता है, लड़का ऐसा नहीं देता बेटा, ये भी लॉ है, ठीक से समझो, जो ज्यादा कमा रहा होता है ना वो दूसरे को एलमनी देता है। सो आई एम गिविंग यू अ वेरी गुड हेड्स अप, मैरी रिच, ठीक है, शादी बहुत अमीर खानदान में करो, कल को अगर डिवोर्स हुआ भी ना तो तुम फायदे में रहोगे, रिमेंबर दैट। अब ये सब बोलना नहीं बाहर जाके, ठीक है, सब स्कीम बताना नहीं है बाहर। दूसरा बोला क्या, शुड बी रियल, हाँ मतलब एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है बट वो रियल होनी चाहिए। इमेजिनरी कंसिडरेशन काम नहीं करती, तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के ले आएंगे ऐसा नहीं है। देखो नौरा ये नहीं बोल सकती कि हम आपको बहुत प्यार करेंगे, वो तो मेरी माँ भी करती है, हमको शादी करना है, तो रियल कंसिडरेशन चाहिए हमको।
हम तुमको 1.5 रुपए में फोन दे रहे, तुम बदले में मैरिज सर्टिफिकेट साइन करो, तब बात होगा। चलो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, शुड बी लॉफुल। ठीक है, मतलब हम लोग साथ में मिलके स्मगलिंग नहीं कर सकते, साथ में मिलके हनीमून कर सकते हैं, स्मगलिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉफुल नहीं होगा। ठीक है, आज की डेट में तुम देखो, अच्छा ये लोग बोलते हैं कि अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सब लीगल होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, अग्रीमेंट्स इलीगल भी होते हैं। अरे अग्रीमेंट है क्या, एक आदमी ने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, अग्रीमेंट बन गया। अब मैंने बोला चल भाई ड्रग्स की तस्करी करते हैं, स्कीम है मेरे पास, प्लान है पूरा सेट। ठीक है, कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं है, नकुल सर के टी शर्ट के अंदर डाल देंगे, पेट पे चिपका देंगे, हो जाएगा। नकुल सर बोले ठीक है सर 50-50। ठीक है, जो प्रॉफिट होगा 50-50, अग्रीमेंट तो है, बस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि लीगल नहीं है, बट अग्रीमेंट तो है ना। चलो सर पहला वाला खत्म भी कर लिया, पता भी नहीं चला, बोलो पहला वाला निपटा भी दिया, लीगल रूल्स ओवर। अच्छा नेक्स्ट वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है, प्रिविटी। भैया अगर दो मियां बीवी लड़ रहे हैं, ठीक है, तुम घंटी नहीं बजाओगे। एडवर्टीजमेंट वाला कुछ भी दिखा रहा है कि बाके घंटी बजाइए, लड़ाई रोकिए, जूता जूता मारेगा आदमी बाहर निकल के। ठीक है, तुम चीनी मांगने जाओगे ना, वो कटोरी कहां डाल देगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, वो दिखाता है ना उसमें कि कोई दो मियां बीवी लड़ रहा है, आप जाके घंटी बजाइए, लड़ाई रोकिए, घंटा बजा देगा तुम्हारा बैठे बैठे हो। ठीक है, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली बोलता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिविटी। प्रिविटी बोलता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में हुआ है, वो उनकी पर्सनल बात है, उसमें कोई तीसरा आदमी घुस के उंगली नहीं कर सकता। उस तीसरे आदमी को नाम क्या देता है पता है, किताब में स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर, बचपन में सोल्जर सोल्जर गाना था ना, ये स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर है। लेकिन केस स्टडी में क्या उंगली करता है असल, अब केस स्टडी में उंगली क्या करे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? नंदनी। क्या तुम्हारा नाम क्या? आस्था। ये ठीक है, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या था? भूल गया, नंदनी। हाँ तो ये नंदनी आस्था है, ठीक है, और तुम बताओ तो ठीक है, ठीक है, तो रोज जाता है। ठीक है, तो नंदनी और आस्था है, इन लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, अब वो केस कैसे बनाएगा, नंदनी ने आस्था से 2 लाख रुपया लोन लिया है, जिस लोन की रीपेमेंट वरुण कर देता है। ठीक है, क्या वरुण आस्था को सू कर सकता है क्योंकि उसने कंसिडरेशन पेमेंट किया है इस कॉन्ट्रैक्ट में? अब तुम एग्जाम में कैसे घबरा जाता है, अरे बाप रे बाप, पैसा तो दिया है, तो पैसा दिया तो हक तो मिलना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न। लेकिन प्रिविटी क्या बोलता है, कंसिडरेशन कोई दूसरा आदमी दे सकता है, स्ट्रेंजर दे सकता है, लेकिन जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है सू वही करेगा। मतलब अगर आपने कोई दुकान से कोई सामान खरीदा है, पैसा कोई भी दिया हो, पिताजी ही दिए होंगे ऑब्वियसली, लेकिन उस पर केस कौन कर सकते हैं? सिर्फ आप जिसने सामान लिया है, क्योंकि बिल पे किसका नाम है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बिल पे किसका नाम है? आपका है। ठीक, ओनरशिप किसको मिली है? आपको मिली है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 26, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तुम लोग यूट्यूब नहीं देखते हो क्या, ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, आज ही याद करा देंगे। आओ सर। सर फिर आते हैं सर एक्सेप्शंस। अब ये एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से हैं? अब इन केस में प्रिविटी नहीं अप्लाई होता। ठीक है, इन केस में प्रिविटी नहीं अप्लाई होता। सर कैसे? सर बेनिफिशियरी ऑफ अ ट्रस्ट। अब आप लोग सबके पिताजी बचपन से FD कर रहे हैं, है ना, लड़कियों के केस में तो जिस दिन से पैदा उस दिन से इंडियन मिडिल क्लास माँ बाप FD लगा देता है। ऐसा लग रहा है बेटी पैदा हुई शुरुआत से 1-1 रुपया जमा करेंगे। ठीक है, फिर 1-1 रुपया जमा करके 1 करोड़ रुपया करेंगे, फिर क्या करेंगे, दहेज दे देंगे। तो फिर फायदा क्या हुआ 1 करोड़ रुपया जमा देने का? 1 करोड़ में तो लड़का खरीद सकते थे, सीधी सी बात है। तो अब ये जो बचपन से करते हैं ना FD कराते जाते हैं, उसमें सब FD में आपके मम्मी पापा आपको 18 साल के बाद नॉमिनी बना देते हैं। ठीक है, आप बन जाते हो बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वो जो अपने माता पिता की प्रॉपर्टी का हक ओन करता है। अब तुम बेनिफिशियरी हो, अगर तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी में कोई इलीगल हथियार कर रहा है, मान लो मेरे पापा ने मेरे नाम पर एक फार्म हाउस किया, बट बड़े वाले गुप्ता जी इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, पर वहां पर उस फार्म हाउस में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश कर रहा, प्रॉपर्टी भले पिताजी के नाम पर है, वो तो केस कर ही सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं क्या हूं, बी से बेनिफिशियरी। उसके बाद आता है सर फैमिली सेटलमेंट। इसके ऊपर एक केस स्टडी आती है, वहीं पर नीचे एग्जांपल में छुपी हुई छोटी सी लिखी है। एक माता है, ठीक है, और उसके 2 लौंडे हैं, दोनों लड़कों को क्या एक प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, वो माता जी को प्रॉमिस करते हैं कि आपको मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देंगे। ठीक है, इतना बार पढ़ाया है ना,
पिक्चराइज हो गया, इसके नीचे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि माता जी को बोलते हैं कि हम लोग आपको मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देंगे, क्वेश्चन आपको एग्जाम में केस स्टडी पता है क्या पूछता है, और फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया, क्या माता जी केस कर सकती हैं? और फिर तुम्हारे दिमाग में पता है क्या आता है, हम बताते हैं, इसमें तो सोशल अग्रीमेंट है, लीगल ऑब्लिगेशन तो है नहीं, तो बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, जहां नहीं जाना है ना वहां वो पहले पहुंचते हैं, ठीक है, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि दो आदमी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और तीसरा है, दिस कुड बी प्रिविटी, नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन का है, तो सोशल अग्रीमेंट है, सोशल अग्रीमेंट है ही कैसे, दोनों लोग ने लीगली प्रॉमिस किया, पेपर पर है, रजिस्टर्ड है। अभी कल रात में मैं सेशन ले रहा था 11 बजे, एक बहुत अच्छा डिस्प्यूट निकला, बेल्फर वर्सेस बेल्फर जो है ना केस, उसके बीच में एक डिस्प्यूट निकला और एक केस स्टडी में करा रहा था, उसमें लिखा है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि हम तुमको 50,000 रुपया देंगे, ठीक है, बीवी इतनी स्मार्ट है वो बोलती है लिख के दो, ठीक है, फिर बोलती है रजिस्टर कराओ इसको, अब डिस्प्यूट शुरू हुआ, हमको डिस्प्यूट में बड़ा मजा आता है, लौंडा बोला सर बेल्फर वर्सेस बेल्फर होगा, हम बोले हो ही नहीं सकता बेल्फर वर्सेस बेल्फर, दिस इज नेचुरल लव इन्फेक्शन, बोलता है सर कैसे, हम बोले बेल्फर वर्सेस बेल्फर को जाके पढ़, उसमें क्या बोलता है, वो आदमी औरत से पीछा छुड़ाने के लिए उसको बोलता है तुमको मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देंगे, हर मर्द की कहानी है ये, ठीक है, वो अपना पीछा छुड़ाने के लिए बोलता है ना कि हम तुमको एक्सपेंसेस देंगे, वो नेचुरल लव इन्फेक्शन कैसे हुआ, नेचुरल लव होता तो उसके साथ रहता ना, और उसमें बेल्फर वर्सेस बेल्फर में वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, इसलिए वो सोशल अग्रीमेंट था। अब बच्चों को खाली क्या दिख रहा, हस्बैंड वाइफ दो रट्टा लगा लिए, हस्बैंड वाइफ को कुछ देगा बेल्फर वर्सेस बेल्फर, अरे इतना छोटा नहीं करना है अपना दिमाग, थोड़ा सा ब्रॉड कर लो कि सारे फीचर्स देखने अपने देखना सीखेंगे। अच्छा तो ये फैमिली सेटलमेंट वाले केस में बस इतना बोलता है, अगर आपने फैमिली को सेटलमेंट में कुछ ट्रांसफर हुआ है सबको, ठीक है, अगर किसी को कुछ कम मिला है या जो प्रॉमिस किया गया है वो नहीं मिलता है तो वो सामने वाले पर केस कर सकता है। HUF होता है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, BCK में पढ़ा है, मान लो जब बटता है कर्ता सबको प्रॉपर्टी बांटता है, अगर किसी को कम ज्यादा मिला है तो वो कर्ता को सू कर सकता है। नेक्स्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। सर देखो सर, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का यहां पे मतलब वो नहीं है, ये मैरिज एक बात देखना बहुत बार आई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है, बहुत बार शादी के मुद्दे पर बातचीत हुई है, एक बार ये शादी के मुद्दे को एक बार में खींचते हैं एक जगह, एक बार शादी का मुद्दा आया है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, है ना, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, उसमें शादी का मुद्दा क्या बोलता है कि एक बार आप एक एज पहुंच जाते हो, उसके बाद अगर किसी ने आपसे किसी से शादी करने से रोका, लिमिटेड टाइम के लिए रोका या हमेशा के लिए रोक दिया, तो वो रिस्ट्रेन क्या माना जाता है, वो वॉइड माना जाता है, ये हम लोग ने पढ़ा है, एक बार वहां शादी आई थी, उसके बाद आई थी सर शादी, अगर जो दलाली वाले कॉन्ट्रैक्ट होते ना पुराने जमाने में, नॉन चाची होती थी, शादी कराएंगे दोनों जगह से कमीशन लेंगे, ठीक है, वो भी अग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, वो भी वॉइड है। यहां पर जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है, ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, ये प्योरली दहेज वाला कॉन्ट्रैक्ट है, प्योरली, ठीक है, एक हस्बैंड, अब इसमें जो केस है, ठीक है, जो एग्जांपल है नीचे, एक लड़की ने एक लड़के से शादी की, लड़की के बाप को पता है कि हमारी बेटी को कोई संभाल नहीं सकता, तो उसने लड़के को क्या ऑफर दिया, सीधा सीधा हम तुमको हर महीना 30,000 रुपया देंगे, इतने में बिक गया लौंडा, हम तुमको हर महीना 30,000 रुपया देंगे, मेरी बेटी का ख्याल रखना, बेटी को कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, हाथ पैर मत चलाना, ठीक है, उसने बस इतना बोला, इसने बोला ठीक है चलो, अपना SIP तो आ रहा है ना 30,000 रुपया हर महीना, कोई दिक्कत नहीं, बेटी बर्दाश्त कर लेंगे। उसके बाद इसकी बेटी के साथ बिहेवियर खराब होने लगा, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, लड़की के पापा के बीच में और लड़के के बीच में, लेकिन बेटी क्या कोर्ट में जाके केस कर सकती है कि मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, बिल्कुल कर सकती है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बस यही केस नीचे दिया भी हुआ है, तुम आज के बाद जाके अगर किताब खोल के देखेगा ना, जितने एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं सब यही सब एग्जाम्पल वहां पर दिए हुए हैं, बस बात ही हमको याद हो गया। नहीं नहीं, मेरा मतलब घर जाके अगर खोल लेगा किताब, वैसे जरूरी थोड़ी ना पढ़े, इतने दिन के बाद एक दिन पढ़ लिए थक नहीं जाएंगे, ठीक है, आज सर 22 नंबर ला के दे रहे हैं, कल सर 13 और 5 18 नंबर देंगे, तो यहाँ से जब हम लोग घर वापस जाएंगे हमारे पास 40 नंबर पॉकेट में होगा, ये भी पता होगा कौन सा क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, सिर्फ एक एक क्वेश्चन को 7-8 बार लिख लेंगे, लर्न बाय हार्ट हो जाएगा, पेपर निकाल देंगे, वैसे ही तो होता है, फैक्ट बात है, वैसे ही तो होता है। जब तक न्यू सिलेबस नहीं आता तब तक हम ये कर सकते हैं, जिस दिन आ गया कुछ नया तिगड़म लगाना पड़ेगा।
नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सर ये असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? अगर आपने किसी और को अपने फेवर में कोई काम करने के लिए बोला है, ये जो प्रिंसिपल एजेंट है ना, कुछ कुछ वैसा ही है, बस ऊपर और नीचे वाले में फर्क इतना सा है. असाइनमेंट आप किसी को भी कर सकते हो, ठीक है? उसके लिए वो आपका एजेंट होना जरूरी नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको बोल दूँ, बोल नहीं रहा, कि बाहर जा नकुल सर को बुला ले, ये भी असाइनमेंट हुआ, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ठीक है? मैं भी कर सकता था, मैंने उसको भी बोल दिया. अब अगर मान लो ये गया और नकुल सर डिस्टर्ब हो गया उस केस में, तो नकुल सर इसको भी सू कर सकते हैं, मेरे को भी कर सकते हैं, इवन इफ ही इज द थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. अब मान लो बीच में कोई आ गया, उनको 2% की पेनल्टी लग जाएगी अपने बेस पे अनअकैडमी पर, ये भी ठुकाएगा, हम भी ठुकाएंगे दोनों. पॉइंट नंबर 5 बोलता है एजेंट एंड थर्ड पार्टी, ये है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? क्या अब देखो, जैसे ये अनअकैडमी का क्लासरूम है ना, अनअकैडमी तो ऑनलाइन है, ये पता है क्या है, ये एक फ्रेंचाइजी है, ये एजेंट है. यहां पर ये कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करे ना, अगर बैनर के साथ या कुछ भी, मतलब जिससे अनअकैडमी को बैड रिप्यूट है, इतनी लंबी पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ेगी ना कॉन्ट्रैक्ट में कि ये बंद हो जाएगा. वैसे तो इनको हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे. अब ये बेंचेस अगर टूटी टाटी होंगी ना, और यहां से कोई हम लोग में से बैठ के कोई रिपोर्ट कर दे, बंद हो जाएगा. मैंने तो सुबह ही सुबह आते आते कर दिया. हम सुबह आया, कोई था ही नहीं, हम फोन करके बोला मैं क्या नौटंकी है, ये हम यहाँ आए, हम सेटअप करेंगे, यह है क्या? तो यही करता था, हम घर में कर लेते, घर में भी हम उतना ही बच्चा बटा देते है ना सर. कोवेनेंट अटैच टू लैंड. अच्छा यहाँ पर ना हमारे एक टीचर हुई करती थी, रचना मैम, रचना मैम लास्ट टाइम आई थी मैम, अब मैम नहीं रही, मतलब अनअकैडमी के साथ नहीं रही, मेरा कहने का ये मतलब है, बत्रा सर बोलने जा रहे थे हम, फिर हम भूल गए. तो कोवेनेंट अटैच टू लैंड क्या मतलब है समझना सर. जैसे मैम का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया था, मैम ना शिमला में रहती, ठीक है? अब शिमला में ना कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना, जो आदमी शिमला में रहता नहीं है अगर खरीदे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शिमला का लॉ ही अलाउ नहीं करता, वहाँ का स्टेट ही अलाउ नहीं करता कि अगर कोई आदमी वहाँ रहता नहीं है तो वहाँ प्रॉपर्टी खरीद ले. वरना तो सारे अमीर सारे घर खरीद के सब खाली छोड़ देते, क्योंकि लेट्स फेस इट, शिमला इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? अब आदमी को चाहिए होता है ना, कि जिंदगी मार रही है दिन में 7 दिन हफ्ता में, तो कहीं तो महीना भर के बाद जाके डिस्ट्रेस करें, तो फिर हर अमीर आदमी खरीद लेता, तो फिर सब खरीद लेते और सब देश घर में काम करते शहर में आके, और वहां जाके चिल करते, साल में एक बार पूरा शहर खाली हो जाता है कि नहीं, इकोनॉमी बढ़ जाती. क्योंकि लेट्स फेस इट, शिमला में अभी भी सारे रिसोर्सेज नहीं है रहने के लिए, इंटरनेट ही नहीं आता, इंटरनेट भी नहीं आता बहुत जगह, तो हर आदमी उसको हॉलीडे होम की तरह यूज करता, पूरा इकोनॉमी कोलैप्स कर जाता, क्योंकि सब टाइम पर कोई जाता ही नहीं. और भाई देखो आज के टाइम में ना बिना इंटरनेट के बहुत दिक्कत होती है, तुमको लगता है जिंदगी आसान है बट बहुत दिक्कत होती है. हम लोग अभी 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए क्रूज में गए थे, हमारी दिमाग खराब हो गए थे कि फोन में नेट नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा, टावर नहीं आ रहा, बीच बीच में तो ऐसा हो रहा था 1-1.5 घंटा अब करें क्या, खेल तो लिया का सीन हो गया, कितना हारे अब, हो गया क्या पूरा अनअकैडमी यहीं लुटा के जाएंगे क्या. तो वो आज के जमाना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया वो. तो मैंने क्या बोला, कोवेनेंट मतलब होता है कंडीशन, पहले याद रखना कोवेनेंट मतलब कंडीशन, ये वही कंडीशन है जो कंडीशन वारंटी में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं है, वही कंडीशन है. अगर किसी लैंड पर बोल दिया गया है कि ये सरकार की जमीन है, इस पे जैसे हम लोग सबके हैं, 3 माला के ऊपर बिल्डिंग नहीं बनेगी, ऐसा होता है पता है, मान लीजिए आपने 4th माला बना दिया, आके गिरा देंगे वो. अभी ट्विन टावर डिमोलिशन हुआ है ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरा दी, क्या गधी है सरकार, क्या फायदा हुआ करके, अभी साफ करने में 1.5 साल और बर्बाद होगा, उससे अच्छा हमारे जैसे गरीब को रहने दे देती वहां पर, हमको एक 7-बेडरूम हॉल किचन दे देती वहां पर टॉप फ्लोर में, हम एडजस्ट कर लेते, हम कंप्लेन थोड़ी ना करते कि नहीं हमको 2 बेडरूम ही चाहिए ना, आई कैन मैनेज विद 7, no problem. हम दोस्तों को ले आते हैं, मतलब तुम भी रहो, भाड़ा दो हमको 20,000 रुपया. आइए फिर आते हैं एस्टॉपल ऑफ पार्टनर. सर ये एस्टॉपल वर्ड से आपका बहुत ताल्लुकात होगा, एस्टॉपल आज ये यहां क्यों लिखा है सोचो. सर देखो मैं पार्टनर नहीं हूं, मैं ऐसा दिखाता हूं मैं पार्टनर हूं, मैंने LLP और पार्टनर क्यों लिखा, दोनों एक्ट में आता है ना, मैं ऐसा दिखाता हूं मैं पार्टनर हूं अपने रिप्रेजेंटेशन से, अपनी कहना हाँ मैं पार्टनर हूं, ठीक है? अब सामने वाला उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, आस्था कर देती है, तो कल को आस्था पार्टनरशिप फर्म को तो केस कर सकती है, मेरे को भी कर सकती है, मैं स्ट्रेंजर हूं ना, थर्ड पार्टी हूं, फिर भी मेरे पर केस हो सकता है,
इसलिए यहां पर आया प्रिविटी में। 7 पॉइंट है प्रिविटी में, मात्र 7 पॉइंट्स, ठीक है। अगर आप सातों पॉइंट को ओवरव्यू देखोगे, पहला बेनिफिशियरी है, दूसरा फैमिली सेटलमेंट, तीसरा मैरिज, चौथा असाइनमेंट, फिर एजेंट, कोवेरेंट और एस्टॉपल। सबके ऊपर एग्जाम में खाली दो दो लाइन लिखनी है, दैट इज इट, सिर्फ दो लाइन, पूरा का पूरा ज्ञान नहीं छाप देना है जो दिया हुआ है, और उसके लिए 7 नंबर है। एवरेज मार्किंग भी हुई ना तो 5 तो मिल ही जाएगा भाई, 5 या 5.5 या 6। और अगर पढ़ लिया, मतलब सोचो अगर 7 बार, हम बस ऐसे ही देखते हैं, ठीक है, बनी कोई इम्पॉसिबल टास्क तो दिया नहीं, मैं तुमको 20 क्वेश्चन दे रहा कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, जिसमें से 7 मैं तुमको बता दे रहा हूँ आएगा ही आएगा, इसमें 7 में से कोई एक आएगा। तुम 7 क्वेश्चन को अगर 7 बार प्रैक्टिस करो ईच 49 टाइम्स, तुमको लैंग्वेज नहीं याद हो जाएगा किताब में क्या लिखा हुआ है, तो गधे को भी याद हो जाएगा, क्योंकि तुम वही चीज बार बार लिख रहे हो ना, कॉमा फुल स्टॉप याद हो जाएगा तुमको। और अभी एग्जाम को कितने दिन बाकी है, 30 दिन है, 3 गिन रहे हैं हम लोग रोज, क्या बोल रहे हैं इतने दिन बाकी हैं, कोई बात नहीं बेटा, 27 दिन बहुत होते हैं, 27 दिन में आदमी को बताए, जो लॉन्डो से पूछो, पहले दिन लड़की को हाय बोलते हैं, दूसरा दिन हेलो, तीसरा दिन हाय ब्यूटीफुल, चौथे दिन लड़की बोलती है गेट लॉस्ट, पांचवें दिन ये तीनों लाइन कॉपी पेस्ट करके दूसरी लड़की को बोलते हैं, ठीक है, 10 दिन बाद एक लड़की हेलो रिप्लाई कर देती है, चौथे दिन उससे मिलते हैं, पांचवें दिन की शकल देख के ब्रेकअप कर देती है, और फिर द साइकिल कंटिन्यूस। और तुम 27 दिन में एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे क्या यार? आना सर, सर हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कंसिडरेशन ना भी हो तो चलेगा। इसमें ना ये टॉपिक ऐसा है, ये टॉपिक खुद में कभी कभार सोचता होगा बैठ के, मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं क्या, आईसीएम मुझे बार बार पूछता है, क्योंकि ये फैक्ट बात है। इसको तुम हॉट लिख के बगल में लिख लो कॉपी में, ये हॉट टॉपिक है, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, हॉट मतलब ये एकदम गर्मी है, एकदम नॉरा ऐसा टॉपिक है ये, हर ये भाई एक एक टर्म, ये लोग जब कुछ नहीं मिल रहा होता ये वाला डाल देते, बच्चे ये तो पढ़ ही लिए होंगे। एक्चुअली लॉ के पेपर में ना इंस्टीट्यूट कभी आपको चैलेंज कर ही नहीं रहा होता, इंस्टीट्यूट सिर्फ ये देखना चाहता है ना कि तू लिख पाएगा कि नहीं, क्योंकि फटी तो तेरी आवे ये पढ़ी है, ठीक है, अब तू लिख पाएगा कि नहीं, और ऊपर से पेपर में BCR और आपकी इंग्लिश तो तुम्हारी इंग्लिश, हाँ तो बोला ना, तो हमारे बच्चों की इंग्लिश की स्पेलिंग ENGLISH नहीं है, ENGLISH इंग्लिश, इंग्लिश है। हाँ भाई जतिन सर BC डू एंड डॉन्ट्स भाई, उस देखो एक क्या है ना, उसकी इंग्लिश खराब है लेकिन वो बोलने में शर्माता नहीं, वो बोलता फिर भी इंग्लिश ही है, यू विन सम यू लूज सम, को बोलता है यू विन सम यू गेन नम, क्या बोलना चाह रहा है भाई। कल भी कुछ बोला था, कल हम मैराथन में बैठे थे ना, कल भी कुछ इंग्लिश में बोला था, बोल के तुरंत पलट गया था, इसलिए हम कुछ बोले नहीं, हमने छोड़ो हटाओ। और होता क्या है ना, जब बच्चों को पता है कि ये आदमी में ये है, तो बच्चे उंगली भी बहुत ज्यादा करते हैं, फिर वो वेट कर रहे होते हैं कि ये बोलेगा अभी कुछ बोलेगा कुछ बोलेगा। आइए, सो अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये है सेक्शन नंबर 25। अब इसमें से क्वेश्चन जो 4 बार आए किस प्रकार के आए, कभी कभार इजी भी आए, कभी कभार इजी जो आए उसमें 7 नंबर का एक बार क्वेश्चन आया था, सिर्फ 2 चीज पूछा था, पहला वाला और दूसरा वाला, तो उस केस में आपको पहला वाला दूसरा वाला पूरा पूरा लिखना, जैसे यहां लिखा। एक बार आया था 7 पूछा था, तो उसमें आप कंटेंट काट सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है। लेकिन ये जो पहले 2 हैं, इसीलिए पहले इनको लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अगर आपने किसी को प्यार मोहब्बत से कुछ दिया, लेकिन प्यार मोहब्बत में 4 चीजें जरूरी होनी चाहिए। पहला वो क्लोज इन रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसमें कवर नहीं होगी नहीं होगी, क्योंकि आज कोई और है कल कोई और हो जाएगी, कहां तक नेचुरल लव देखता चला जाएगा कि है कि नहीं, वो आर्टिफिशियल लव है, ठीक है। दूसरा इट शुड बी इन राइटिंग, लिख के देना, तो लॉन्डो कभी भी लड़की कोई कुछ भी लिख के मत दे, बाद में तुम्हारे अगेंस्ट बहुत इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इट शुड बी रजिस्टर्ड, ठीक है, मतलब
उसका कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कोर्ट में। और लास्ट प्यार से देना चाहिए, ठीक है। बहुत जल्दी आ गई, फटो। अरे कोई बात नहीं, बेचारी 4 किलोमीटर चल के आई, इसके लिए बिस्तर लगाओ यहाँ पर। ऐसी जगह बैठो जहाँ दिखे, पीछे बैठ जाओ। 4 किलोमीटर चल के आए, कहाँ से आ रही हो? वहाँ से यहाँ तक 4 ही किलोमीटर है? हाँ, अरे बैठ के बोलो, बैठ के स्टोरी सुनाओ। सोचो अगर उसको हावड़ा का रास्ता पता होता तो तुमको ब्रिज पे उतार देता। ये सब करने की जगह कितना भाड़ा खर्चा हुआ? सब करने की जगह 60। एक फोन कर लेती, मैं बता देता कैसे आना था, आसान हो जाता। बट कोई बात नहीं, ये भी एडवेंचर था। बस ये तो पहले यही काम करता था, इसको फोन कर लेती, पहले ऑटो चलाता था वो। पता है नहीं बोलना है दूसरे की बात में, क्राउड वर्क कर रहा है, लेकिन नहीं घुसेंगे। घुस गए स्टैंड अप में, आना ले लिए, रिकॉर्ड भी हो गया। बोलता है ना, पहले मारेगा फिर रिकॉर्ड भी करेगा और फिर यूट्यूब पे भी डाल देगा, तीनों चीजें हुई हैं, ठीक है। कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, 3 वर्ड है उसमें, ठीक है। पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, पहला दिमाग में आया ना कि ये चैरिटी होगा, है ना, चैरिटी हो? नहीं है, ये चैरिटी नहीं है, ये तुम्हारी सोच गंदी है। तुम वॉलेंट्री देखते हो ना, तुम्हारे दिमाग में चैरिटी आ जाता है कि चैरिटी, अरे कुछ भी हो सकता है पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, हम फ्री में पढ़ा रहे थे एक टाइम पर, झूठ है ये। पर मान लो मेरा हृदय परिवर्तन हो जाए कि बहुत पैसा कमा लिए भाई, अब एक काम करते हैं, सब बच्चों, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाए, लेट्स से नोरा घर चलेगी। हाँ नोरा घर चलाएगी, वो तो कमा ही रही है, हर डांस का 5 करोड़ रुपया कमा रही है, इतने में तो घर चली जाएगा हमारा, हम फ्री में पढ़ाएंगे, CSR करेंगे, देश के वो टीचर बनेंगे, सब कुछ फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, तो वो भी तो वॉलंटरी सर्विस हुआ ना। अब मैंने 20 साल फ्री में पढ़ाया, ठीक है, 20 साल बाद हमारा एक लौंडा, ठीक है, गोल्डमैन सैच में नौकरी करना शुरू किया, करते करते वहाँ का MD बन गया, ठीक है। अब साल का कमा रहा है 40 करोड़ रुपया, ठीक है। वो वापस आता है एक दिन, बोलता है सर हम आपके लिए, क्योंकि आपने हमें फ्री में पढ़ाया, हम आपके लिए एक 5 करोड़ की फरारी लेके आए एज अ गिफ्ट, हम ले लेंगे। वो बात तो सही बट अब तुम बोलोगे सर इसमें कंसिडरेशन कहाँ थी ना, पास्ट में किया था, तो पास्ट में किया था। बस चीज़ें कौन सी माइंड रखनी है, पहला वो वॉलेंट्री होना चाहिए, अपनी मर्जी से मैंने किया होना चाहिए। दूसरा प्रॉमिस सर के लिए किया होना चाहिए, मतलब जिसके लिए किया है वही आदमी मेरे को कुछ बदले में दे रहा हो, ठीक है। अब मैंने किया था उसके लिए, दे रही है उसकी बीवी हमको, तो सर कुछ अलग है, ये आदमी को दूसरा केस लगने लगे हैं यहाँ पर कि कुछ चल रहा है इन लोग दोनों का, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहला बोला वॉलेंट्री होना चाहिए, दूसरा प्रॉमिस सर ने किया होना चाहिए, तीसरा बोलता है प्रॉमिस सर के द्वारा मिलना चाहिए, लेकिन मिलना किसको चाहिए, प्रॉमिस सी को, ठीक है, मेरे को, ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, बच्चा पढ़ने आया था, ठीक है। तो पास्ट वॉलेंट्री सर्विस में कुछ भी आ सकता है, सिर्फ चैरिटी सोच के अपने दिमाग को छोटा मत करना, क्योंकि अगर आप देखो तो चैरिटी अलग से पॉइंट नंबर 7 है, ठीक है। तो बच्चों को ना यही कंफ्यूजन आती है जो सेल्फ स्टडी वाले होते हैं कि ऊपर जब पास्ट वॉलेंट्री सर्विस है तो फिर से चैरिटी कैसे आया, अरे वो अलग है, नीचे वाला वो बड़ा ब्रॉड है, वो बहुत सारी वॉलेंट्री सर्विस इंक्लूड करता है। अगर कोई आदमी मान लो ये बैठे, पहले ऑटो फ्री में चलाता था ये, ठीक है, उसका रूल सिंपल था, लड़की फ्री, लौंडा 3 गुना चार्ज, एकदम सीधा, खूबसूरत लड़की सामने से पैसा दे देगा, देखा मैडम के, मैडम खूबसूरत है, चली गाड़ी आगे, आप 100 रुपये हमसे लीजिए, ठीक है। लड़का बदसूरत 400 रुपये देगा, लड़का खूबसूरत फिर भी 400 रुपये देगा, ठीक है, आना। उसके बाद आया सर प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, यहाँ पे कोई बता देगा भैया टाइम बार डेट का मतलब क्या होता है? जिस डेट को
जिस डेट को लीगली रिकवर करने का टाइम खत्म हो जाता है एज पर लिमिटेशन है। पढ़नी पड़ेगी कभी जिंदगी में नहीं पढ़नी पड़ेगी, सो लॉयर वॉयर पढ़ते हैं। तुमको बस बता दिया कि अगर कोई डेट को 3 साल तक रिकवर नहीं कर पाए तो उसके बाद लीगली आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, तो जो पैसा है जल्दी मांग लो। लेकिन यहां पर क्या है फिर, अगर सामने वाला 3 साल बाद भी तुमको बोलता है कि कोई बात नहीं सर, आपने हमको मेहनत दी थी ना, आपने हमको हेल्प किया था। ये पता जनरली होता कैसे है, बहुत बार होता है जब आदमी को बहुत ज्यादा चेक मिलते हैं ना, तो कभी कभार होता है ना कि कोई चेक आप इनकैश करना भूल जाते हैं। हमारे साथ भी हुआ है दुकान में, कॉमन है। तो 2.5 लाख रुपए का चेक था, पड़े पड़े वो हो गया, नहीं पता चला, ठीक है। और जब दुकान की सफाई हो रही है दिवाली के लिए, वो भी 3-4 साल बाद जब दिवाली की सफाई हो रही है, तो एक चेक नीचे निकल के आ रहा है, ठीक है, उस पर 2.5 लाख रुपए लिखा हुआ है, मेरे हाथ में आया था, मैंने पॉकेट में रख लिया। अबे तो दुकान का पैसा था ना, तो मैं चोरी कर रहा था। देखो, या तो आदमी खुद से अमीर हो या जो पिताजी का है वो तुम्हारा, ऐसा मैंने माना एकदम से। मैंने चेक देखा, मैंने बोला पापा को बताएंगे तो फिर वो रख लेंगे, और इसमें भी वर्मा जी का नाम लिखा है, रख लिया हम चुपचाप। फिर वर्मा जी को हम फोन किया, हम बोले अंकल देखो ऐसा ऐसा, बोला बेटा तुमको 3 साल बाद ध्यान आया। हमने अंकल सॉरी मिस हो गया, अब पापा को मत बताइएगा, ये दे दीजिए चेक। अब अंकल भी समझ गए ये कुछ कर रहा है। अंकल बोले देखो बेटा अभी तो स्थिति ठीक नहीं है। अब हम भी समझ गया बेटा, बुड्ढा समझ गया कि कुछ कर रहा है। मैंने बोला अंकल जो हो सके वो दे दीजिए। वो बोलता अच्छा ठीक है बेटा, कल आओ, हम 1.5 लाख रुपए कैश दे देते हैं। हमने ठीक है जो मिले ठीक है भाई, जाना तो अपनी जेब में, क्या गए आया आईफोन आ गया। एकदम सिंपल है, आईफोन का तो यही स्टोरी है, फुल कैश पेमेंट में आया ये, ठीक है। ये स्टोरी अपने तक ही रखेंगे हम लोग, यहां से काट देना एडिटर, ठीक है। तो अगर यही प्रॉमिस करने का उन्होंने प्रॉमिसरी नोट साइन कर दिया बोल के कि सर हम आपका डेट को टाइम बाद डेट जो है वो पेमेंट कर देंगे, तो फिर ये क्या हो गया, ये वैलिड प्रॉमिस हो गया। नेक्स्ट, फिर आता है सर एजेंसी। एजेंसी सर, एजेंसी मतलब, अब देखो ना एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी तो बन गई है, प्रिंसिपल एजेंट के लिए हर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर कर रहा, अच्छा करे या बुरा करे, एजेंट बदले में क्या दे रहा है, कुछ नहीं, बट फिर भी वन वे है, फिर भी क्या है, वैलिड है, ठीक है। कंप्लीटेड गिफ्ट, अरे कंप्लीटेड गिफ्ट, देखो सर तोहफा तो आपको बताइए क्या होता है, ठीक है, आदमी प्यार ही से देता है। हम तो ऑफिस चले जाएंगे। एग्जैक्टली, देखो लड़की का बाप लड़की को दहेज देता है, मतलब लड़के को देता है, गलत है, मैं मानता हूँ गलत, लेकिन दे लड़के को थोड़ी ना रहा है। हम लोग तो वैसे भी ऑफिस चले हैं, अगर देखो टीवी दे उसकी बेटी देखेगी, स्कूटर दे बेटी घूमेगी, फ्रिज दे ठंडा पानी वो पिएगी, एसी दे ठंडे मोरे, हमको क्या, हमको तो घर में काम, बाहर ऑफिस जाना, ऑफिस में गर्मी है पड़ाना, तो दे तो अपनी बेटी को रहा है भाई, तो इसमें कुछ गलत थोड़ी ना। तो कंप्लीटेड गिफ्ट जो भी है सब वैलिड होते हैं। सर कंप्लीटेड क्यों लिखा है पता है, मतलब जिसमें देन लेन का पूरा काम हो चुका है, कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूटेड याद है, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी क्या होता है, एग्जीक्यूटेड जिसमें सब कुछ कंसिडरेशन खत्म हो चुका है, और एग्जीक्यूटरी मतलब कुछ करना बाकी है। सर उसके बाद आता है सर बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब क्या होता है सर, बेलमेंट देखो यहां पर क्यों लिखा है, अच्छा पहले बेलमेंट होता क्या है, इट इज ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ओनरशिप, श्योर, इट इज टेम्प्रेरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, जहां आप अपना सामान दूसरे को देते हो सिर्फ रखवाली करने के लिए। हाँ, जैसे जब आप मतलब जैसे वो ओपन एग्जैक्टली ओपन माइंडेड जैसे माँ बाप होते हैं ना, तो लड़की घर में खुद बोल के जाती पापा आज मैं डेट पे जा रही हूँ। ऐसा हमारे देश में नहीं होता है, बाहर, ठीक है, तो खुद बोलती। अब लड़के का बाप भी, लड़की का बाप भी ओपन है, बॉयफ्रेंड से खड़े होके बात कर रहा है। हमारे में तो जूता निकाल लेते हैं। अरे हमें आज भी याद है जब हम लोग फोन में बात कर रहे होते थे, अलग चीज होती थी, पिताजी सामने से चले आते, कर्टसी के लिए भाई हम लोग फोन रख देते थे या चेंज कर देते थे, और हाँ भाई बोल दो कहाँ है, ठीक है, हम लोग चेंज। आजकल तो जो मतलब आजकल ये सब नहीं रहा है, आजकल ओपन बात कर रहे हैं, बाप बैठा है बगल में, हाँ डार्लिंग बोलो, बाप भी लगा पड़ा है, हाँ बोलो, दोनों साथ में, और माता जी खाना बना रही है अंदर।
आजकल सिनारियो थोड़ा चेंज हो गया. बेलमेंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को कोई सामान देते हो, क्या चीज, उसका सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर करते हो रखने के लिए. अब यहां पर देखो सर, बेलमेंट के बगल में क्या लिखा हुआ है, ग्रेचुटस. दो तरह की बेलमेंट होती है, एक फ्री में होती है, एक पेड में होती है. पार्किंग दो तरीके की होती है ना. अभी जैसे भैया ने पार्किंग की, आप गाड़ी लेके आए थे ना, अब भैया ने पार्किंग की, भैया ने यहाँ पार्किंग लगा दिया, बिल्डिंग के अंदर घुसे लगा दिया, फ्री पार्किंग, नो पैसा. अभी यही रास्ता में लगाते पेड़ के नीचे, ठीक है, तो वहां पे वो ब्लू आदमी घूम रहा होता, ब्लू शर्ट पहन के, भैया 20 रुपया लगेगा, वो पार्किंग ले लेता, वो नॉन ग्रेचुटस हो जाती, ठीक है. तो उसमें तो कंसिडरेशन था, वो वाली यहां पर नहीं आएगी, यहां पर सिर्फ फ्री वाली आएगी. और लास्ट वाला पोर्शन और टॉपिक खत्म, चैरिटी. चैरिटी मतलब फ्री में जो आप काम करते हो, ठीक है. अगर आप किसी के लिए कोई काम फ्री में कर रहे हो तो उसमें तो कंसिडरेशन है ही नहीं ना. अब ये क्वेश्चन को एक बार देखो तो थोड़ा सा, कहाँ गया लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट, आओ यार. देखो, अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड. फोकस क्या चीज पर करना है, नेचुरल लव लिखा है, फोकस ऑन लव नहीं बोला है. अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन आर, राइटिंग समझ में आ रही है तुमसे, अच्छी है, शर्म कर लो, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी तुमसे अच्छा लिखते हैं. जतिन सर कलम को बोलते हैं, सर हम नोट्स लिखे हैं. हम बोले अच्छा, दिखाइए, फिर वो भेजे, हम बोले इसे लिखना नहीं कहते, इसको गोबर कहते हैं, ठीक है, जिसको डिजाइन में रखा गया. हैंड राइटिंग सुधारो पहले, नोट. हाँ, तो अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन आर वॉइड, ठीक है. ये अपना 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है. अपने ने अभी डिस्कस कर लिया ना, ये कितने पॉइंट आएंगे अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन में. पहला नेचुरल लव, दूसरा पास्ट वॉलेंटरी सर्विस, चैरिटी, टाइम बार डेट, कंप्लीटेड गिफ्ट, एजेंसी, बेलमेंट, और लास्ट वाला 7 हो गए. तो 7 वाले तो हो गए, चैरिटी हो गया, 7 पॉइंट आएंगे उसमें. 7 खून माफ, ठीक है, 7 खून माफ. देखो, मैंने ना पूरा का पूरा ड्राफ्ट बनाया आपके लिए, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा यहाँ पर ड्राफ्ट बना के एक्सप्लेन किया हुआ है. अब हम लोग ने जैसे यूनिट नंबर 2 खत्म कर लिया, ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 से एक्चुअली मैं सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर, और प्रिविटी वाला क्वेश्चन जो पहले डिस्कस कर दिया वो था. अब आते हैं सर हम लोग यूनिट नंबर 3 में. आप लोग यूनिट नंबर 3 को पसंद करते हैं? क्या है यूनिट नंबर 3 में वैसे? वेरी गुड. नेक्स्ट, अदर कंसिडरेशन. नेक्स्ट, वॉइड अग्रीमेंट. अच्छा, दिखाते हैं आपको यूनिट नंबर 3. आइए, यूनिट नंबर 3 में क्या है सर? अरे ऊपर दिखाई दे रहा ना. हाँ, यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले कैपेसिटी आता है, जिसमें माइनर है उसमें उन्होंने 15 पॉइंट पेल दिए हैं. जब पूरे हिसाब से माइनर पे लीन ऑन होके लिखा है उन्होंने. उसके बाद आता है साउंड माइंड. अब बुक का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, वो अनसाउंड आदमी नहीं बताता, वो साउंड आदमी बताता, बोलता ये 3 साउंड है, बाकी सब अनसाउंड, ठीक है, इसमें तुम लोग का नाम नहीं है. नेक्स्ट, उसके बाद आता है डिस्क्वालिफाइड पर्सन, जिनको साफ साफ बोला तू नहीं साइन करेगा. इसमें कौन कौन आता है? इसमें आते हैं सर संजू बाबा, कॉन्विक्ट, एलियन एनिमी, ठीक है, एलियन एनिमी, और भैया ड्रंकर्ड, बेवड़ा, पागल. देखो तो आदमी अपने आप से चूज कर रहा है अपने अपने वर्ड, बहुत सही. उसके बाद आता है सर फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट के पोर्शन से क्वेश्चन पेपर में एक ना एक पक्का आएगा. 3 रोटेट करके पूछे जाते हैं, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, मिसरेप्रेजेंटेशन. ये रोटेशन में पूछे जाते हैं. पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, और फिर चौथा ना वे भूल जाते हैं डालना. इसलिए आज तक हुआ क्या है पता है, इम्पॉर्टेंट 3 है लेकिन आए सिर्फ 2 हैं. पेपर में आप पैटर्न देखोगे, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ठीक है, मिसरेप्रेजेंटेशन कभी नहीं आया. रेस्ट यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कभी नहीं आया तो आ सकता है, बट ज़्यादा चांसेस फिर से अनड्यू इन्फ्लुएंस का, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न जो फॉलो करते हैं उसमें एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे करते हैं. सेम ही टीचर्स बार बार पेपर सेट करते हैं और वो ज़्यादा एफर्ट नहीं लेते इसके लिए, बिकॉज लेट्स से मतलब एकदम फैक्ट बात है, ICAI में पेपर सेट करने का पैसा नहीं मिलता, चेक करने का मिलता है, तो वो वहाँ मारते हैं, यहाँ नहीं, ठीक है. लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन 7 पॉइंट है, और लास्ट में वॉइड अग्रीमेंट 5. एक्चुअली ना बच्चों को ये वाला यूनिट काफ़ी बड़ा लगता है भी, झूठ क्यों बोलूँ, है, ठीक है, पर छोटा कैसे करें? आओ सर कर देते हैं. सबसे पहले सेक्शन नंबर 11 आता है,
सेक्शन नंबर 11 किस चीज के बारे में बात करता है? कैपेसिटी के बारे में। कैपेसिटी का मतलब कौन साइन कर सकता है, जिसमें सबसे पहले ये बताता है माइनर। माइनर मतलब वो आदमी सर जो छुटकू है, ठीक है, जो 18 साल से कम उम्र का। यहाँ पे कितने लोग 18 साल से कम उम्र के हैं? अब पेल देगा लोग तेरे को क्लास के बाद, ठीक है। अब माइनर के अग्रीमेंट में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सबसे पहला सर इट इज वॉइड एब इनिशियो, एनी अग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड। अब यहां पर एक बात याद रखना, वो वॉइड एब इनिशियो है, फर्स्ट डे से वॉइड है। जो काम तुमने माइनॉरिटी में किया है वो मेजॉरिटी में जाके रेटिफाई नहीं हो सकता। हाँ, भले ही तुम मेजर बन भी जाओ आगे जाके, तुमने माइनॉरिटी में साइन किया है ना, वो वॉइड ही रहेगा, हमेशा वॉइड रहेगा, वो कभी कभी वो वैलिड नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है नो रेटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन माइनर बेनिफिशियरी बन सकता है। आपके मम्मी पापा की प्रॉपर्टी के बेनिफिशियरी तो आप ही हो ना, और एकदम वैलिड। रिची रिच वाला कार्टून आता था पहले, देखा है? सारी प्रॉपर्टी रिची रिच के पास ही आएगी। अब वो माइनर है तो बटलर उसके बिहाफ पे क्या बन जाएगा? गार्जियन। अब गार्जियन आया तो इस पे भी एक बात कर ही लें, क्या गार्जियन माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? हाँ, लेकिन वो इनमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं हो सकता, इनमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं हो सकता। अब ये इनमूवेबल वाली बात आप लोगों ने नहीं सुनी है, कुछ लोगों ने, चेहरे के रिएक्शन से मेरे को समझ में आ गया, तो लिखना उसको, लिख लो। अगर आपको ये वाली बात इनमूवेबल प्रॉपर्टी वाली नहीं याद थी, मैंने आपको नया बात बोल दिया कि गार्जियन इनमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो फट से उसको लिख लो। क्या ठीक है, चलो सर ने एक नई बात बता दी, हमको नहीं याद था, खत्म। क्या पता इसी से केस स्टडी आ जाए, यू नेवर नो। वैसे वी नो, बट इट गुड टू से वी नॉट नो, ठीक है। उसके बाद आता है सर माइनर कैन प्लीड माइनॉरिटी। माइनर ऐसा निर्लज आदमी है, वो कभी पे भी माइनॉरिटी प्लीड कर सकता है, मतलब सारा कलेश कर देगा, सारा कांड मचा देगा, फिर लास्ट में बोल देगा हम माइनर हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। ये वैसा ही लौंडा है, पहले हम बैटिंग करेंगे, बैट मेरा है, बैटिंग कर लिया आउट हो गए, मम्मी बुला रही है, अब और खेला नहीं होगा, एकदम सीधा। नेक्स्ट बोलता है लाइबिलिटीज फॉर नेसेसिटी। सर ये पॉइंट के ऊपर लास्ट अटेम्प्ट में केस स्टडी आई थी, ठीक है। आप माइनर से कुछ रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन नेसेसिटी के लिए उससे रिकवर कर सकते हैं, वो भी क्या, उसकी जेब में जो पैसा है उससे नहीं, उसके पास जो एस्टेट है उससे। लास्ट टाइम का था, दादी थी, दादी बीमार थी, ठीक है, कुछ 15 लाख रुपए का खर्चा किया था, लास्ट अटेम्प्ट की केस स्टडी बता रहा हूं, दिसंबर 22 की, 15 लाख रुपए का खर्चा किया था, 7 लाख रुपए ही रिकवर कर पाए थे प्रॉपर्टी से, तो सिर्फ 7 लाख ही देंगे, उसके अलावा 1 रुपया नहीं ले सकते तुम माइनर से। नेसेसिटी के लिए लायबल है, और तुम्हारे लिए नेसेसिटी सिर्फ 2 है, एक हेल्थ और दूसरा क्योंकि तुम ICI में पढ़ रहे हो एजुकेशन, ऑब्वियसली यही 2 को वो नेसेसिटी मानते हैं। और जो सबसे फेमस इसमें केस स्टडी है उसमें ये है कि एक माइनर है जो गुप्ता जी के पास जाके एक लैपटॉप ले लेती है, ठीक है। और देखो इसमें भी एक चीज देखना, वो नारी है, स्त्री कुछ भी कर सकती है, इसीलिए तो बोल रहे क्या यार, इसीलिए तो बोल रहे, तो वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती। वो गुप्ता जी के पास जाके एक लैपटॉप लेती है, 50,000 रुपए का लैपटॉप ले लेती है, बोलती है हम आपको बाद में दे देंगे, 2 महीना बाद जब हम मेजर हो जाएंगे। गुप्ता जी इतने बेवकूफ दे भी देते हैं, 2 महीना बाद टंकाला मिलेगा, कुछ ही नहीं मिलेगा, इट इज वॉइड एब इनिशियो। वो हमाले नहीं थे ना, हर गुप्ता एक जैसा नहीं होता ना। नेक्स्ट उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट बाय या गार्जियन, जो अभी मैंने बताया, लेकिन देखो मैंने प्रॉप लिखा है नॉट फॉर इनमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम के दिन के पहले ना, किस जब सेंटर पड़ेगा, घर से 1 घंटा के दूर पे होगा, बहुत लकी होंगे आप कि अगर घर से एकदम ठीक बगल में आ जाए। हमारे तो हम लोग ने सब भर के देखा, पता है 3 बार एग्जाम हुआ ना, ECPT, इंटर और फाइनल, भगवान की दया से सब एक ही बार में निकल गया। हमने 3 बार भर के देखा, कोलकाता 1, कोलकाता 2, कोलकाता 3, अलग अलग आते, कभी भी पास नहीं आए। 7-8 किलोमीटर स्टैंडर्ड, ठीक है। एक बार तो इन्होंने सेंटर दिया 14 किलोमीटर दूर, ठीक है। हम और बदतमीजी, हम बैग लेके वहीं ओयो कर लिया, हम लोग यहीं रहेंगे अब, ठीक है, घर जाने ही नहीं, रोज इतना कौन रहे, 14 किलोमीटर जाओ, 14 किलोमीटर आओ। एक फोन उठाया, 4 किताबें उठाई, बोले यहीं रहेंगे अब, सीधा ग्रुप 1 के बाद घर जाएंगे। इंटरमीडिएट के टाइम पर था, सीधा ग्रुप 1 के बाद घर गए थे। ये क्या हो गया, किस में शटडाउन लट दे रहा है भाई, अब ये क्या है, ठीक है। ज़्यादा पैसा देने से यही प्रॉब्लम होता है, पता नहीं है, कई बार बुला तो अंकल को,
ब्लैक वाले अंकल को बुलाना, बोलेगा सभी ब्लैक में खड़ा हुआ बाहर जो हल्का से थोड़ा बौना टाइप का, नकुल सर को मत बुला लेगा भाई। तुम लोग तब तक कॉन्ट्रैक्ट फॉर गार्जियन लिख लिया, फॉर गार्जियन। अच्छा उसके बाद आता है नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जस्ट बता रहा है आपको। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपने कहीं और भी पढ़ा है, कैन यू रिलेट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? सोगा में पढ़ा है आपने। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? बंद हो गया ओपीएस इज शटिंग डाउन करके कुछ आया, फिर बंद हो गया। ओपीएस था ओबीएस नहीं, हमको लगा वही हम सोच रहे क्या शट डाउन हो गया। हाँ तो ये नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपने पढ़ा था ना। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें सामान चाहिए, ठीक है। सोगा में पढ़ा है 10 बहाने। हाँ तो उसमें चार कंडीशन होना जरूरी है। कौन सी चार कंडीशन भैया? चार कंडीशन कौन सी? एक, आपका सामान सबसे ज्यादा यूनिक होना चाहिए। मान लो नौरा मर जाए, उसके पहले उसकी आखिरी पेंटिंग बनाई होगी किसी ने, ठीक है, मेरे लिए वो दुनिया की सबसे यूनिक चीज है। भाई मैं पेंटिंग क्यों बना रहा हूँ अगर मेरे को पता हो मरने वाली है तो? भी यार अजब आदमी, आप ही ने बनाई होगी, घर नहीं ले जाएंगे हम उसको, ठीक है। तो भैया एक तो वो यूनिक होना चाहिए, दूसरा वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना जरूरी है उसका, क्योंकि वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तीसरा स्पेसिफिक गुड्स होने चाहिए, और चौथा क्या था? डैमेजेस इनफ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ यूनिक है ना। यहाँ पर क्यों स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लिखा हुआ है? माइनर के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं है। अगर उसने बोला कि मैं करूँगा, फिर कल वो बोल दिया मैं नहीं करूँगा, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। लेट्स से ठीक है कि अन अकेडमी को इसके बारे में नहीं पता कि उनका कोई एजुकेटर माइनर है, लेट्स ठीक है, और वो नकली डिस्क्लोजर करके अच्छा ये तो अपने मन से ही कनेक्ट कर लेना चाहिए था उसमें। एक सेकंड रुको, फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ हो गया, ऐसा नसीब हो गया, 2 दिन से खड़ा होकर पढ़ाना शुरू किया, बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा भाई। खड़े के खड़े ही है। हाँ लेकिन मज़ा आता है, मज़ा बहुत आता है, ये बात हम नोटिस किए। अपने एरिया में पूरा नाच नाच के पढ़ाता है भाई, हम मज़ा ही अलग है। बैठ गए तो अब बैठ गए, हिलने के लिए चेयर हटानी पड़ेगी, वहाँ पर यहाँ तक रखे नीचे आराम से शॉर्ट्स पहन के पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का सब देखो यहाँ आए भाई, जीन्स पहनना, जूते पहनना, जूते साफ होने चाहिए, 10 शॉर्ट्स पहना, नीचे खड़े हो गए करा रहे हैं, इतना ही शरीर दिख रहा है, ये सब कम्फर्ट है ऑनलाइन में। वो दिखाता नहीं था कि कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट में ऊपर से कोट पहना हुआ है, मीटिंग में नीचे शॉर्ट, वो लौंडे हम ही हम ही वाला है, ठीक है। और नकुल सर तो तुम छोड़ ही दो बेटा, वो तो क्या पहन के पढ़ाते हैं उनको भी नहीं पता, पूछना जब आए तक। उसके बाद बोलता है सर नो इंसॉल्वेंसी, माइनर क्या कभी इंसॉल्वेंट हो सकता है? मना कर देगा, नहीं देंगे पैसा, क्या कर लोगे तुम, लाइबिलिटी ही नहीं है। नेक्स्ट पार्टनर्स बेनिफिट एजेंट, अच्छा हाँ, माइनर क्या पार्टनर बन सकता है? नहीं, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, ही कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ही इज नॉट कॉल्ड अ पार्टनर, ठीक है। वो जो शब्द है ना माइनर पार्टनर, उसे हम लोग अपने मर्जी से लगाते हैं, माइनर कभी पार्टनर होता ही नहीं, क्योंकि पार्टनर के कोई फीचर तो उसके अंदर है ही नहीं, लॉस शेयर करता है, म्यूचुअल एजेंसी है, तो कैसे पार्टनर हो गए? थोड़ा दत्त में पढ़ो, यही तो बात है, मियर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट मेक यू अ पार्टनर। बुक में है ना कि एसेंशियल एलिमेंट्स 3 होने चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए, मैप, म्यूचुअल एजेंसी, अग्रीमेंट, पार्टनर। माइनर के साथ म्यूचुअल एजेंसी नहीं है ना, माइनर कुछ भी करे उसके लिए पहली बात कोई और तो छोड़ो, माइनर खुद भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, और तुम कुछ भी करो पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर का भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। जतिन सर हमारे 16 साल के हैं, तो हम लोग कुछ भी करें हम और नकुल सर, जतिन सर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ जतिन सर तो 16 ही साल के बेटा, उन्होंने टिकट में लिखाया था 25 साल। मैंने फोन करके बोला शर्म नहीं आई तुमको, इतना झूठ, जो असली वाला वोटर आईडी कार्ड है उसका एज लिखाओ। कोई कोई आदमी क्या होता है ना, पैदा होने के बाद भूल जाता हम कब पैदा हुए थे। हाँ तुम सरकाज़म नहीं समझती हो क्या? तुम मजाक में बोले 16 साल के, सच में थोड़ी ना है, तो वो 30 पार, तो जतिन सर को बच्चा भी हो गया, छोटा किंचू। चल नेक्स्ट,
पेरेंट्स आर नॉट लायबल फॉर माइनर, ऐसे हम लोग बोलते हैं मम्मी। एक्चुअली हमारी बात क्या है ना, ये हमें विश्वास क्यों नहीं होता है इस पॉइंट पे बताए, क्योंकि बचपन से माँ बाप सिखाते हैं तुम बाहर जा रहे हो, हमारा नाम रोशन करना है तुम्हें, बाप की नाक कटाएगा तू। मतलब वो हमें ऐसा फील कराते हैं कि मतलब पिता माता पिता के लिए मतलब हम ही हैं, हम बाहर निकल रहे हैं माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है। अभी आप लोगों को भी कुछ लोगों को ना प्रेशर फील होता होगा कि माता पिता काफी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग से वगैरह, हमें पास हो रहा, हमें कभी नहीं था। हमारे पिताजी का सिंपल था, तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। और हमारी माता जी का था कुछ भी कर लो ठीक है, चिल है जिंदगी, बस कुछ मतलब। देखो मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा से बोला है कुछ भी चीज को इतना अपने ऊपर हावी मत होने दो, ठीक है, कि वो दिन भर तुम सोचो बैठ के उसके बारे में, हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो भी ठीक। अभी मेरी मम्मी मेरे को देखती है ना कि हम सब कुछ सैक्रिफाइस करके खाली लगा रहता है पढ़ाने में, ठीक है, चाहे हेल्थ हो चाहे कुछ भी हो। कल मेरा पैर छिला हुआ अभी भी है, कल ही लगा, फिर भी मैं ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के खड़ा होकर पढ़ा रहा है। मेरी मम्मी उठ के क्या बोलती, चुपचाप लेटे जाके, इतना पढ़ाने का कोई शौक नहीं, इतना पैसा नहीं चाहिए हम लोग को, हमको चाहिए मिले नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से का कमा लिया, ठीक है। तो आप लोगों को भी अभी ये प्रेशर फील होता होगा, नेचुरल सी बात है, बट मजा पता है क्या चीज़ में, ये जब तक ये प्रेशर नहीं रहेगा ना तब तक आपको करने का मन भी नहीं करेगा। यू नीड टू हैव समथिंग समवन जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना अपने खुद का मनोबल टूट जाता है, आपको ऐसा लगता होगा अबे यार अब बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा हमसे, ठीक है। तो जब आप अपने लिए नहीं कर पा रहे हो ना तो आपको चाहिए कि किसी और के लिए तो मैं कर लूँ, वो कोई और कोई भी हो सकता है, ठीक है। हमारे लड़के प्यार में बहुत ज़्यादा डूबे होते हैं, वो लड़की के लिए कर देते हैं कि भाई शादी करना, कल को घर वर पालना। लड़कियाँ किस लिए करती हैं, मम्मी पापा को खुश करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पापा ने इतना पैसा लगा। लड़की लोग इमोशनल होती, लड़के लोग जो शब्द हम बोलने वाले थे यहाँ बोल नहीं सकते, आइए। बट बात क्या है, सिर्फ अपने लिए पहले कर लो, और फिर अगर नहीं मन कर रहा तो किसी और के लिए कर लो, कोई भी हो सकता है, बट करना तो जरूरी है, क्योंकि पैसे कमाने हैं ना भाई, सीधी सी बात। लास्ट वाला, जॉइंट अडल्ट एंड माइनर, ये क्या लिखा है मैंने, मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट में एक माइनर है, ठीक है, ठीक है, इसके साथ वो और हम कॉन्ट्रैक्ट में, वो इसका श्योरिटी बना है, श्योरिटी मतलब उसने बोला अगर ये पैसा नहीं चुकाएगा तो वो चुकाएगा, हम इसका गला नहीं पकड़ेंगे उसका पकड़ेंगे, सीधा हमको पैसा मिलने से मतलब है, उसके साथ वॉइड है, हम उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे नहीं, हम सीधा उसको पकड़ेंगे। नाम क्या तुम्हारा, श्रीजन, तुम्हारे नाम पे तो पिक्चर भी बनी है ना, नहीं बनवा देंगे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, माइनर क्या शेयर होल्डर बन सकता है कंपनी में, नहीं, डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलता, पापा के नाम पे खुलता है, तुम वो होते हो बेनिफिशियरी, पापा ही खरीद बेच सकते हैं। लास्ट में लाइबिलिटी फॉर टॉट क्या है, क्यों बताएगा, सिविल रॉन्ग, वो तो शब्द तो सबको पता है, मतलब क्या है इसका, सब तो वहां लिखा था टॉट का मतलब सिविल रॉन्ग है, हम लोग नहीं जानते मतलब क्या इसका, अच्छा और नेक्स्ट तुम लोग चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छी, ये भी ओपिनियन अच्छा। बेसिकली लाइबिलिटी फॉर टॉट मींस एनी टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग दैट यू हैव डन, मींस कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपने आईपीसी का उल्लंघन किया, आईपीसी मींस इंडियन पेनल कोड, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे पब्लिक खुश नहीं है आपसे, उसने ठीक ही बोला अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। अब रास्ता में वो अगर लाइस मतलब सिग्नल तोड़ देगा, ठीक है, तो उस पर वो अगर, देखो पहली बात तो आदमी इतना स्मार्ट होना चाहिए, अगर एक माइनर सिग्नल तोड़ा और वो सिग्नल तोड़ के ये बोल दे कि वो सर मैं माइनर हूँ, तो पुलिस वाला तो ऐवे भी पे लेगा तेरे को, क्योंकि लाइसेंस तो हुआ नहीं तेरे पास, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पर बाकी सारी लॉज अप्लाई करती हैं, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये बिजनेस लॉ है, इसमें आपको प्रोटेक्शन है, ऐसा नहीं कि अगर आपने लाइसेंस बिना रखे सिग्नल तोड़ दिया तो आप पुलिस वाले को बोलोगे सर एनी अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो यू कांट कैच मी, वही पकड़ के तोड़ देगा तुमको। एक तो आया था ना 14 साल का बच्चा मोटा सा यूपी में स्कूटी चला के जा रहा था, पुलिस वाली मैडम पकड़ ली थी, रोने लगा मैडम छोड़ दीजिए पापा बहुत मारे। यही था वीडियो, इंस्टाग्राम में एक से एक चीज दिखता है। अच्छा, अनसाउंड माइंड मतलब, देखो सर अनसाउंड माइंड अगर आप हैं तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, साउंड है तो हो सकता है। सर देखो बगल में दिया है आपको, टेम्पररी अनसाउंड माइंड कौन होगा, लूनेटिक सन की, ड्रंकर्ड इंटॉक्सिकेटेड सूखा नशा,
ठीक है। देखो हर तरह की नशे की हमने किया है अरेंजमेंट, इंटॉक्सिकेटेड सूखा नशा, ड्रंकर्ड गीला नशा, और ऊपर इतना नशा कि दिमाग खराब हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आपने एक ऐसे पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जो समय समय पे पागल है, समय समय पे ठीक है, फिट्स पड़ते हैं उसको, दौरे पड़ते हैं, तो सर अगर आपने ठीक समय पे कॉन्ट्रैक्ट किया जब वो साउंड माइंड का है, क्या वो वैलिड होगा? वो वैलिड होगा। ये बुक में ऐसा ऑरेंज करके ऐसा लाइन दिया हुआ है, ऑरेंज में उसको बोल्ड करके आईसीआई के मटेरियल में दिया हुआ है। हाँ मैं बेवड़ा प्रूफ कर सकता हूं आदमी को, इसीलिए तो बोलता हूं थोड़ा जो ऐसी चीजें देखा करो टीवी में जो काम आए, तो नागिन देखते हो बैठ के दिन भर। सीरीज बोले थे ना सूट्स, वो सीरीज देखोगे उसमें इसके ऊपर केस हुआ है, ड्रंकर्ड के ऊपर। एक आदमी ने अपने 3 कसीनो हार लिए थे दारू के नशे में, 3 कसीनो बेटिंग करके हार लिया। बाबा अभी मेरा लैपटॉप खराब हो जाता है, ये टूटे टूटे मेरा लैपटॉप कुछ नहीं होना चाहिए भाई, दोबारा नहीं खरीद पाएंगे हम ये बाबू, ठीक है ना? यही सब तो जायदाद है बेटा हमारे, आज की डेट में एसेट यही है। चलो ठीक है, ठीक हो ना? आना सर, तो क्या बोल रहा था, ऐसे सूट्स अगर आप देखोगे तो उसमें ये है कि एक है, मान लो ये है, ठीक है, इसके पास 3 कसिनो है, इसने मतलब 3 इसके पास बार है, 3 रेस्टोरेंट, इसने कसिनो में 3 बार उससे हार गए बोली लगा के, उस टाइम ये नशे में थी, इसका लॉयर ये प्रूफ कर देना कि ये नशे में थी, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ऐसा हुआ है वास्तविकता में। तुम गलत चीज और नागिन देखो। फिर आता है सर पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कॉन्विक्ट कैदी, बगल में लिखे हिंदी में, इनसॉल्वेंट इनकेपेबल कॉन्ट्रैक्ट, गरीब विजय माल्या, एलियन एनिमी पाकिस्तान, हाँ सर्टिफाइड गरीब, इंडिया में गरीब बनने के लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है बेटा, पता है? देखो सर कैपेसिटी खत्म, अब आया फ्री कंसेंट। सर फ्री कंसेंट में आपके पास 5 पॉइंटर है, ठीक है, सबसे पहले आता है कोर्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट चुपचाप साइन कर देना तेरे बेटी को घर से उठा लेंगे, दोबारा बेटी की शकल नहीं देखने मिलेगी, कोर्शन मतलब जबरदस्ती। जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जो आईपीसी के तहत है, आईपीसी के अगेंस्ट है, जिसमें अनूप सोनी आके टीवी में नहीं बोलता, सावधान रहें सतर्क रहें, गलती आपकी, आप घर से मत निकलें, खूनी तो खून करेगा, ठीक है, और वो चेतावनी भी देता है आपको, वो आपको देख रहा है घर के बाहर, अगर आप घर के बाहर निकलेंगे ही नहीं वो खून कर ही नहीं पाएगा, आप घर में रहिए, ठीक है। अच्छा तो हमें कब पढ़ना होगा क्वेश्चन, हमें कब मतलब है, व्हेन इट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब वो उसकी बेटी को उठाने की बात कर रहा, जो कर रहा, हमको उससे लेना देना नहीं, उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है तो हमको लेना देना। अब वो बोला तो बेटी को उठा ले रहे 5 लाख रुपए दो तो बेटी देंगे, सिर्फ 5 लाख, गरीब चोर है, ठीक है, गरीब चोर है, छोटी सोच है उसकी, ठीक है, वो क्या सोचा होगा हम बता रहे, वो ये सोचा होगा 5 लाख रुपए लेंगे FD करा देंगे, 5% इंटरेस्ट आएगा, जिंदगी कड़ी आई, तुमको बड़ा एक्सपीरियंस है भाई, तुम लोग घर ठीक से जाना है सारे, देखिए इसको एक्सपीरियंस है बेटा, अब तुम इसकी ऑटो में मत बैठना, ठीक है, अब मत बैठना इसकी ऑटो में, ये आदमी ठीक नहीं है, ठीक है। तो सर जो कोर्शन के तहत कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? वॉइड एबल। वॉइड एबल का मतलब कोर्ट में जाके अगर प्रूफ कर दूं ना कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है तो वो वॉइड हो जाएगा, लेकिन जब तक प्रूफ नहीं कर पा रहा तब तक क्या है? वैलिड है। ये बात समझना, लोग ना void और voidable में difference नहीं समझ पाते, सिंपल है, void मतलब जो देखने से ही पता चल रहा कि इसमें कोई एलिमेंट मिसिंग है, जैसे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में बोले मरे हुए आदमी को जिंदा कर देंगे, ठीक है, जमीन से सोनपरी पैदा कर देंगे, जलपरी निकल के आ जाएगी यहां पर, ये सब void है, देखने से ही पता है इम्पॉसिबल है, लेकिन voidable क्या है? जबरदस्ती तो प्रूफ करनी पड़ती है ना, ठीक है, वो देखने से थोड़ी ना पता चलती है। आना अब देखो हमने तुम्हारी शक्लें देखी, ठीक है, तुम में से कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिसको माँ बाप ने जबरदस्ती सीए करवाया, लेकिन शकल देख के तो नहीं पता चलता ना। कोई ऐसा है कि ज्यादा ना नहीं निकला मुझे? पैसा देख के आई हो कि देख के आई हो? नाइस, आई लाइक इट, गुड। तुमको लॉ पढ़ना था लॉयर, तो फिर यहाँ कैसे फंस गई? देखा हम हवा में मारते तीर, लक सही जगह जाता है एकदम निशाने पे। ऐसे हम उस दिन गुवाहाटी गए थे, एक लड़की नहीं आई थी, ठीक है, क्लास में 2 दिन से नहीं आ रही थी,
एक लौंडा उस तरफ भी नहीं आ रहा था दो दिन से। देखो मैंने बस अंधेरे में तीर चलाया, ठीक है, ये यहाँ बैठी थी, मैंने इसको दो तीन बार रोस्ट करके खाली लास्ट में एक बात बोली, हमें दो दिन से तुम थी कहाँ? वही सर स्कूल गए थे पहले दिन, हमारे दूसरा दिन बोले थक गए थे। बोले ऐसा क्या कर ली स्कूल में जो थक गई थी? वही नहीं सर बहुत ये वो होता है। बोले तू दो दिन से कहाँ था भाई? ठीक है। बोले अरे सर वो पापा का कुछ काम था। हम बोले अच्छा अच्छा अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद लड़की खुद ही बोलती है सर वो स्कूल ही गया था। बोले तुम लोग साथ में जाते हो? बोलती है हाँ सर। हम बोले तभी तो दोनों दो दिन से एब्सेंट। अंधेरे में तीर चलाने से अक्सर लग जाता है सटीक पॉइंट, ठीक है। आइए सर, अंडू इन्फ्लुएंस क्या होता है? जब आपसे कोई एक बड़े लेवल पर है, ठीक है, आपसे ऊंचे लेवल पर है, तभी आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए, और वो आपसे फिड्यूशरी रिलेशनशिप में, फिड्यूशरी मतलब उस पर आप भरोसा करते हो। अब आज की डेट में मैं जो बोलता हूं वो तुम मानते हो ना, क्योंकि तुम्हारे मेरे बीच में क्या है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, तुम भरोसा करते हो मेरे ऊपर। और नेक्स्ट क्या है सर, वो आपकी कमजोरी का, कमजोरी क्या है कि आप जल्दी मेंटली जल्दी निकल जाते हो, उस चीज को मान लेते हो आपको जो बोला जाता है, उससे मिसगाइड नहीं होते हो, हाँ मैनिपुलेट हो जाते हो। जैसे बेचारे कुछ लोग अपने घर में हुए होंगे माता पिता से या भाई से, भाई भाई भाई, भाई किसका सीए है जो कर रहे हैं? हेलो, अच्छा ठीक है मैं बोलता हूँ, रुकिए एक सेकंड। हाँ माँ बाप और पापा मम्मी किसी के सीए भी हैं जो कर रहे हो? पापा सीए हैं। कितने लोग अपने मर्जी से कर रहे हैं? वाओ नाइस। किस उम्मीद में? पैसा मिलेगा। कितने कितने रुपए चाहिए? अच्छा आपने कितने पैसे सोचे हैं जाने तो, मतलब स्टार्टिंग कितने से करनी है? करोड़। कितना कितना लैक्स मंथली? फॉर्म के बाद सर जॉब में नहीं बोल रहा। तो शुरू होते ही फॉर्म खोल देगा? शुरू होते ही चार पांच साल करना है जॉब का, मतलब शुरू में 2 लाख चाहिए। 10-12 लाख महीना का? नहीं तो साल का? साल का 10-12। अच्छा मम्मी नीचे एक तो पार्सल लेके खड़ा है, देख लो थोड़ा। हाँ अगर इनका एडमी कहिए देख लो। हाँ हाँ कितना 10-12-14 किसी का 1-1.5 करोड़ रुपया नहीं है क्या? मन तो सोची बड़ी नहीं है तो कमाओगी कहाँ से? हाँ अरे जब तुम बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा कमाओगे कैसे? हमको तो ये नहीं समझ में आता, तुम बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा कमाओगे कैसे? सोचना ये है कि जॉब में इतना मिलेगा। बात प्रॉब्लम क्या है पता है, तुम शुरुआत से सोच ही रहे यही रहो कि हम कर लेंगे फिर नौकरी करेंगे। कमाने के इतने तरीके हैं ना दुनिया में, नौकरी तो सिर्फ आदमी छोकरी के लिए ही करता है। एकदम फैक्ट बात है कि स्टेबिलिटी मिल जाए। सब नौकरी वैसा ही होता है। मैंने बोल दिया ऊपर से कोई ले लेगा पार्सल। अच्छा ओटीपी तो नहीं आया बेटा भैया, मतलब अभी तक तो नहीं आया। अच्छा अभी आया, लिख लीजिए 3143 हाँ। अब अपना ही यार अकेडमी का टी शर्ट कोई चोरी थोड़ी ना करेगा यार, उसके लिए ओटीपी मांग रहा है बैठ के यार, आदमी लगा के घूमेगा क्या बात। आइए और वहीं पे पता है बहुत ऑड होता है, हम कल वो गोल गला वाला पहने थे यार अकेडमी वाला, हम पहन के जा रहे, हर आदमी रास्ता में ऐसा करके देखता, पता नहीं ऐसा पता नहीं क्या है, तो हर आदमी रुक के ऐसा देखे यार। इसमें चलो फिर भी ठीक है, अच्छा हो ये वाला ये लोग चेंज किया, इसमें पता नहीं चलता है कम से कम, छोटा सा लोग पूरा सीना पे आना अकेडमी लिख के जरा भारत है सारा इंडिया ऐसा ही लगता है ना। तो बस ये बोल रहा हूँ यार, सोच थोड़ी बड़ी रखो, थोड़ा लंबा कमाने का सोचो ना, इतना कम कमाने से नहीं होगा, थोड़ा बड़ा सोचो। हम पता है कितने का सोचता था जब हम पहले काम करना शुरू किया था, तो हम जब पहली बार तो काम तो हम 19 साल की उम्र से करना शुरू कर दिया था, 19 से ही आई स्टार्टेड अर्निंग। तो जब मैं जॉब में जाने वाला था ना तो मेरी सोच बहुत बड़ी थी ना, कम से कम पहली नौकरी लगेगी यार 60-70 लाख रुपए तो साल का आना चाहिए ना, वरना घंटा क्या फ़ायदा हुआ, 1.5-2 लाख रुपए महीना का तो मैं पढ़ा के भी कमा ले रहा हूँ। हमें 21 साल का यार, इस टाइम तो मेरे शौक बढ़े हैं, ठीक है। हम गया हमको 20 लाख का शुरू किया, हम बोला दिस इज बिलो एक्सपेक्टेशन। 20 लैक्स स्टार्टेड विद 20 लैक्स ओनली। 6-7 महीना काम किया, कमीशन आना शुरू हो गया तो समझा चलो ठीक है, कमीशन तक 50 तक चला जा रहा है, पर फिर भी भूख नहीं पूरी हो रही ना, क्योंकि 50 लाख में तो सिर्फ ऑडी आएगी है ना, उससे बाकी सब नहीं हो पाएगा ना, फॉरेन ट्रिप नहीं हो पाएगी, ठीक है,
वर्ल्ड टूर नहीं हो पाएगा तो थोड़ा और बड़ा सोचना पड़ेगा। तो फिर मैंने बोला थोड़ा और करते हैं, तो मैंने बोला करोड़ रुपया लगेगा साल का, अगर करोड़ रुपया हो जाए जॉब में तो कर लूँगा। उन्होंने बोला नहीं हो सकता, मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अपना रेजिग्नेशन पकड़िए, टाटा बाय बाय सी यू। मैंने बोला कुछ नया करके देखते हैं, मैंने पढ़ाना शुरू किया वापस से, कोरोना आ गया, सब सफा चट। अब इस टाइम पर ऐसा है कि जो 50 लाख रुपया कमाया था, मतलब वो 50 लाख मेरे पास सेविंग्स में है था इस समय, ठीक है, पूरा जिम खोलने के और इन्वेस्टमेंट करने के बाद 20 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतना बच गया था। अब मेरा सबसे पहला इशू क्या था पता है, कि अब कोविड आ चुका है, एजुकेशन इंडस्ट्री बंद हो चुका है, क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन ख़त्म, और कोलकाता में उस टाइम सिर्फ ऑफलाइन ही चलता था, ऑनलाइन का कोई ज़माना नहीं था। आप लोग अभी फिर भी ऑनलाइन थोड़ा बहुत देखते भी होंगे, इतना पहले कोई नहीं देखता था, अभी तो कल्चर आ गया ऑनलाइन का, विच इज़ गुड, ऑब्वियसली हैज़ टू बी गुड, वरना नोट कैसे छापेगा वरना पैसा कमाएगा कैसे। जब ये सब शुरू हुआ था ना, तब तक मैं पूरा फुक्कड़ हो चुका था। मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था अक्टूबर 2020 में, 6 अक्टूबर को, तब तक हम पूरा फुक्कड़ हो चुका था, 50 लाख रुपया पूरा फूक चुका था, 30,000 रुपया मेरा अकाउंट में बचा हुआ था जब मैंने अकेडमी ज्वाइन किया था, मात्र 30,000 रुपये। क्यों? क्योंकि सब सेविंग्स मैंने लुटा दी थी ना, वो जिम में शुरू किया खोलने का, उन्होंने तुरंत लॉकडाउन कर दिया, मैं 4-4 लाख रुपये रेंट पेमेंट कर रहा, सब खाली, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बहुत अयाशियाँ की। 19-20 साल की उम्र में जो मैं पैसा कमाता था तो ऐसे खर्चा करता था ना जिसका कोई लिमिट नहीं है। मेरे को पता है 1 तारीख को सैलरी आने वाली है, ठीक है, मैं 30 तारीख को शॉपिंग कर लिया, फ्लिपकार्ट पे लेटर, ठीक है, 1 तारीख को सैलरी आने से पहले मैं क्या कर रहा, बॉस को फोन करके पूछा, सर मैनेजर को, मैंने कितना हिस्सा बन रहा है स्टूडेंट का परसेंटेज पे ये महीना का मेरा, और बोला सर 1 लाख रुपया बन रहा है, बोला चलो ठीक है 30,000 रुपया शॉपिंग टाइम। हम ऐसे पैसा खर्चा करता था, कई किसी किसी महीना तो ऐसा होता था कमाए 1 लाख रुपया, खर्चा 1,20,000 हो गया, 20,000 सेविंग से खर्चा हो गया, ठीक है, पर हमको फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि हम उस टाइम ये सोच रहा था, हम तो सिर्फ 19 साल गए, अभी 20 साल गए, मतलब जिंदगी पड़ा फिर कमा लेंगे, अभी तो शौक पूरा कर लें। रियलिटी हमको तब स्ट्राइक किया ना जब कोविड आया, तब हम देखा ना भाई 30,000 रुपया बचा कल क्या करेंगे इसका, ठीक है, तो फिर अनअकैडमी वालों ने अप्रोच किया। हम बोले पहले देखो मेरा तो एक्सपेक्टेशन बहुत कम था, बोले तुम जो दो वो ठीक है, करना तो है काम, ठीक है, पर उनको पता था कि मैं हूँ कौन, पहले कहाँ कहाँ किया है, तो अच्छा मिला। और अब जब मैं स्टेबल लाइफलाइन में हूँ तो मैं तो बड़ा सोचूंगा ना, इसीलिए तुमको बोलता हूँ बड़ा सोचो, जब तक आप सोच बड़ी ना, 1-2 लाख रुपया इन्फ्लेशन का लेवल पता है तुम्हारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हुए कितना होगा, अभी तुम 1 लाख रुपया तुमको ज़्यादा लग रहा होगा, तब 1 लाख रुपये तो रेंट दे रहे होगे तुम आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद, कोलकाता में सस्ता। हम लोग जो लोग कोलकाता में है, आप लोग सब में कोलकाता में से कौन कौन है प्रॉपर, आपको पता है ये सबसे सस्ता शहर है भाई, मतलब मैं खाने पीने के मामले में और सारी चीज़ों में बाकी सिटीज से सबसे ज़्यादा सस्ता है। यहाँ पे 100 रुपये में दाल चावल सब हो जाता है, बाहर में भी गुवाहाटी जैसे शहर में 300 रुपये लगता है इसका, जहाँ पर ना दाल सही है ना चावल वहाँ पर, तो आप यहाँ पर चल सकता है, बट इससे आगे भी आदमी जाने का सोचता है ना, खाली यहीं थोड़ी ना, तो थोड़ा बड़ा सोचो। कल ये सवाल हम पूछेंगे तब 2-3 करोड़ रुपया बोलना, नहीं नहीं अभी अभी फील नहीं आएगा ना तुमको, है ना सर। अगर यहाँ पर सर एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, क्योंकि ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का, दोनों पार्टी के बीच में क्या होना चाहिए, क्लोज रिलेशनशिप, क्योंकि राह चलते आदमी से थोड़ी ना इन्फ्लुएंस हो जाओगे तुम। नेक्स्ट, अथॉरिटी शुड बी रियल और अपेरेंट, मतलब वो तुमसे बड़े लेवल पर होना चाहिए। रियल अथॉरिटी मतलब तुम्हारा बॉस, हाँ रियल अथॉरिटी मतलब तुम्हारा बॉस, वो तो तुमसे रियल लेवल में सच में ऊपर है, ठीक है, जैसे हमारे केस में गौरव सर, गौरव मुंजाल, ठीक है। और अपेरेंट मतलब जो एक्चुअल में रियल लेवल पर नहीं है बट तुम सोचते हो, जैसे तुम्हारे घर में पिता, अब उनके लिए तुम काम थोड़ी ना करते हो, ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कर तो रहे हैं, पापा तो यही बोलते हैं रोज। नेक्स्ट, देयर शुड बी अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, भरोसा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट टू टेक अनफेयर एडवांटेज, यहां पर फोकस क्या होना चाहिए, मतलब फोकस क्या है, अनफेयर एडवांटेज लेना, अपना फायदा दूसरे का नुकसान होना चाहिए। लास्ट में, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द डोमिनेंट पार्टी, बर्डन मतलब प्रूफ क्या है, अगर आप बोल रहे हो मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया तो आप प्रूफ करो ना, जब तक आप प्रूफ नहीं करते मैं क्या हूं, इनोसेंट। इंडिया का लॉ ही ऐसा है, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अभी कुछ दिन पहले ये मैंने सहारा के ऊपर जो वीडियो बनाया था, तो सहारा वालों ने मेरे को लीगल नोटिस भेजा,
ठीक है, कि आपने जो वीडियो बनाया अपने YouTube पर सहारा का स्कैम बनाते, उसमें आपने कंपनी का नाम खराब किया है, अपनी पब्लिसिटी की है, और क्या सहारा को आपने मिसलीड किया है अपनी ऑडियंस को। हमने भी रिप्लाई किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम वीडियो नहीं हटाएंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लो, सीधी सी बात, हमने भी डाल दिया। ठीक है, हमने अपने लॉयर से पूछा कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बोला सर बिंदास करो, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा आपका, करो जो होगा हम लोग देख लेंगे। पहले हमको थोड़ा डर लगा कि ऊपर कुछ होगा, जो होगा देख लेंगे, क्योंकि देखो सर सहारा जैसी कंपनी अगर आपका मारती है ना, हाँ सहारा जैसी कंपनी अगर आपका मारती है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कितना, क्योंकि अगर वो सोचो अगर केस उल्टा पड़ गया मेरे पे और कंपेंसेशन वम्पेंसेशन देने की बात आ गई, ठीक है, और उन्होंने कुछ मुंह खोल के मांगूंगी तो मैं नहीं दे पाऊंगा, या पूरा इंसॉल्वेंट हो जाऊंगा, फिर मैं भी बोलूंगा सर्टिफाइड गरीब, लेट मी शो यू सर्टिफिकेट, एकदम सीधा। ठीक है, तो पर मैंने कर दिया, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है ना, क्योंकि मैंने जो भी डेटा निकाला वो गूगल में दिया हुआ था, मैं कौन सा उनके घर से फोन करके या उसके जीजा को फोन करके लेके आया, सुब्रत तो मेरा दोस्त थोड़ी ना। ठीक है, होता तो हम पैसा बांट लेता उसके साथ। नेक्स्ट, फिर आया सर फ्रॉड, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रॉड हमेशा सोच समझ के किया जाता है, गलती से नहीं होता वो, जैसे आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, लड़की लोग बोलती कहाँ जा रहे, मम्मी एक्स्ट्रा क्लास है आज, फिर वही मम्मी देख रही है लॉन्डी, दो दिन बाद दूसरा पड़ोसी फोटो भेज रहा, देखिए कल आपकी बेटी पार्क में बैठी थी एक लड़के के साथ, बोली तुम तो बोली एक्स्ट्रा क्लास है, तो फिर बेटी बोलती मम्मी वही टीचर है पार्क में पढ़ा रहे थे। ठीक है, फ्रॉड इंटेंशनली होता है, फ्रॉड के बारे में आपको पता होता है कि आप झूठ बोल रहे हो, और जब आप झूठ बोल रहे होते हो इट लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, होना जरूरी है, और वो एनी अग्रीमेंट जो फ्रॉड में फॉर्म हुआ है वो क्या है, वॉइडेबल है, वॉइडेबल मतलब इट कैन बी कैंसिल्ड एट द ऑप्शन ऑफ द अदर अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव्ड मतलब दुखी आत्मा। सर एक टॉपिक आता है इसमें, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, देखो भाई पहली बात बच्चे लोग गलत तरीके से याद कर लेते, बोलते साइलेंस इज फ्रॉड, नहीं साइलेंस फ्रॉड नहीं है, साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, लॉजिक ये है, साइलेंस फ्रॉड तब हो जाता है इन दो केसेस में, जब आपकी ड्यूटी टू स्पीक थी, जब आपको बोला गया है कुछ बोलना है, या जब साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जब आप चुप थे, आपसे कोई पूछ रहा है, वो जाता है सेल ऑफ गुड्स। हाँ ये लाइट है, मेरे को पता है नहीं चलती है, थोड़े दिन में खराब हो जाएगी, मेरे को पता है मेरा गुड डिफेक्टिव है, फिर भी हम सामने वाले को बताता नहीं, बेच देता, चिपका देता, साड़ी में छेद है हमको पता है, लेकिन दिखाते टाइम ऐसा करके पलट के दिखाएगा कि सामने लेडीज को दिखाई ना दे कि साड़ी में छोटा सा छेद, मेरे को पता है मेरे गुड्स में डिफेक्ट है, लेकिन हम जानबूझ के अगर हाइड किया, दैट इज साइलेंस इक्विवेलेंट टू स्पीच, जब मेरा ड्यूटी टू स्पीक है या साइलेंस है, ड्यूटी साइलेंस, ड्यूटी साइलेंस, इस केस में साइलेंस इज फ्रॉड, ये क्वेश्चन आया है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद आता है मिसरिप्रेजेंटेशन। सर मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में डिफरेंस भी पेपर में एक बार क्वेश्चन आया है, मिसरिप्रेजेंटेशन होता क्या, गलती। ठीक है, मेरे से गलती से आपको मूरख नंदन बना दिया, गलती से। ठीक है, मेरे को पहले लगा कि लॉ पहला पेपर एग्जाम होता है, नेक्स्ट अकाउंटेंसी होता है, मैंने भी आपको वही बोला, आप पहले दिन चले गए, आप अकाउंट्स लॉ पढ़ के गए और टीचर बोल रहा है आज अकाउंट्स का एग्जाम, आप भी रो रहे हैं हम भी रो रहे हैं, मेरे साथ हुआ हुआ है भाई, नहीं मेरे साथ नहीं, मेरे साथ स्कूल में हुआ है, हिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच में, पर हमको ज़्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम क्या था ना, हमको हिस्ट्री ठीक से आता था ना बायोलॉजी, तो वहाँ पे जब मतलब बच्चा बोला भाई तू हिस्ट्री पढ़ के आज बायो का एग्ज़ाम है, थोड़ी एक सेकंड के लिए लगा हाँ यार ऐसा, फिर लगा भाई वो बायो भी होता तो क्या ही उखाड़ लेते, आता तो है नहीं। ठीक है, तो अब उसमें क्या था, लग क्या था, एक क्वेश्चन आया क्लोरोफिल का और प्लांट बनाने का, बोले ये सही है, यहाँ बैठे थे खिड़की के बाहर पत्थर लगा हुआ था, एकदम रियल डायग्राम बनाया ऐसे सन ऐसे, ये टीचर बुला के हमको अलग से बोला सी आई हैव गिवन यू 1 marks आउट ऑफ 50, यू नो वाई, बोले वाई मैम, बोले बेटा इसमें लिखा था कि डायग्राम नहीं चाहिए, क्वेश्चन में लिखा है नॉट रिक्वायर्ड, तो आपने क्यों बनाया, बोले मैम कुछ तो लिखना था पेपर पे, सिर्फ नाम लिख के तो अच्छा नहीं लग रहा था, और मेरे को मैम इंस्पिरेशन खिड़की के बाहर ही थी, तो मैंने एकदम एग्जैक्ट उतार दिया उसको, अगर मैं फेविकॉल लेके आया होता मैंने पत्ता चिपका देना था और पूरा ड्राइंग करके दिखा देना था।
हमको साइंस में कभी से भी इंटरेस्ट नहीं था, हमको बस फिजिक्स अच्छा लगता था बस, ठीक है। तो सर अगर मिस रिप्रेजेंटेशन में आपने अग्रीमेंट करा लिया तो अग्रीमेंट क्या होगा, वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीव्ड पार्टी, वो भी सर। मिस्टेक, अब मिस्टेक दो तरीके की होती है, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ। लॉ की मिस्टेक मतलब आपको लॉ पता नहीं था, गलती से मिस्टेक हो गई, आपने वो लॉ तोड़ी, फिर आप बोलते हो सर सॉरी सर हमको तो पता ही नहीं था। जैसे पुलिस वाला जब पकड़े तो सीधा सर पोल्यूशन पोल्यूशन कराना होता हमको तो पता ही नहीं था। हमको पुलिस वाला पकड़ता है बोलता आपकी बाइक का इंश्योरेंस, बोलो ये इंश्योरेंस खत्म हो गया, हमको तो पता ही नहीं था इंश्योरेंस खत्म हो गया। वो केस तो बनाएगा चाहे तो कितनी भी एक्टिंग कर ले, ठीक है, केस तो बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब हमने ट्राई करके रखा हुआ है। एक बार हमको पुलिस वाला पकड़ा जब ऑफलाइन क्लास कराने जा रहे थे स्कूटी में, बोलता कि वहाँ पोल्यूशन नहीं है, हाँ बोले कहाँ हो रहा है मतलब मेरा कहने का मतलब था मेरी स्कूटी से धुआं ही नहीं निकल रहा, कहाँ पोल्यूशन हो रहा है, बोलता पोल्यूशन सर्टिफिकेट लगता है, हम बोले कहाँ बनता है, क्योंकि हमको नहीं पता था भाई कहाँ बनता है, बोला पेट्रोल पंप में, हम बोले ठीक है बना लेंगे, हम आज चाबी लगाया, बोलता है नहीं फाइन लगेगा, हम बोले अभी बनाया कहाँ है पेट्रोल, तब तो पैसा देंगे, बोलता है तुम्हारा पोल्यूशन नहीं है इसका फाइन लगेगा, बोले इसका भी फाइन होता है, हाँ बोले कहाँ लिखा, बोले मोटर व्हीकल्स एक्ट, हम लॉ का टीचर है फिर भी हम टाइम पास कर रहे हैं उसके साथ, बोले हमने तो नहीं पढ़ी। उन दिनों में ना टाइम बहुत होता था ना, फोकटिया थे, एक क्लास हो रही सुबह 2 बजे, अगली क्लास पढ़ाने जाना 8 बजे, 6 घंटा क्या करेगा आदमी, कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए, है ना। सर यहाँ पर एक चीज देखना, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में दो तरह की मिस्टेक लिखी है, यूनिलैटरल बायलैटरल, यूनि मतलब दोनों में से एक पार्टी की गलती है, ठीक है। जैसे अभी कोई यहाँ पर आए, अगर हमको और जतिन सर को पहली बार नहीं देखा, बोले अरे आप जतिन सर मैथ्स पढ़ाएंगे, बोले हाँ बैठो कुछ कुछ लौंडे लोग आता नहीं है बीच क्लास में, सर क्या पढ़ा रहे हैं, हम तो सीधा बोलते फिजिक्स इंग्लिश में, ठीक है। तो ऐसा होता है भाई, अब इको की क्लास ले रहे एक बच्चा आके बोले सर क्या पढ़ा रहे, इंटीग्रेशन, बैठो, ठीक है, तुम उंगली करोगे सुनोगे भी, सीधी सी बात है। फिर आता है सर बायलैटरल, बायलैटरल मतलब जो दोनों पार्टी ने गलती की, दोनों तरफ से वॉइड है, वो डिलीवरी भी नहीं कर पाया टाइम पे, मैं पेमेंट भी नहीं किया, दोनों तरफ से वॉइड। जैसे कभी कभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में किताब आने में देर हो जाती है ना, आजकल बच्चा लोग हमको मैसेज करके क्या बोलते हैं, सर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिए थे किताब नहीं आया 7 दिन हो गया, अनअकैडमी पे केस कर दें हम रिप्लाई नहीं करते, कुछ मैंने उल्टा सीधा बोल दिया, यही स्क्रीनशॉट होके सब जगह स्प्रेड हो जाना है कि ये टीचर ऐसा पढ़ा रहा है, पर कायदे से नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये इस बार में पेपर में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडर, क्या बात है भाई, मतलब बोल के खत्म भी नहीं किया, ठीक है ये वाला आएगा। क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसका टाइम हो गया आने का, नॉर्मली 3 अटेम्प्ट के बाद एक पेपर रिपीट होता है ये क्वेश्चन, 3 अटेम्प्ट हो गए, ये इसका टाइम है। अगर क्वेश्चन आता है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कुछ नहीं, पॉइंट लिख के 2-2 लाइन बताना है, क्योंकि 7 नंबर का है, 7 पॉइंट एग्जैक्टली है। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन बोलता है हर कॉन्ट्रैक्ट लीगल है सिवाय जिस जो फॉरबिडन बाय लॉ है, मतलब जिसको लॉ ने मना करके रखा हुआ है, ठीक है, या जिसको डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ द लॉ, मतलब लॉ के लूप होल का फायदा उठाता है। जैसे अब हर्षद मेहता वाली कहानी देखी है आपने, 1992 वाली, लॉ के लूप होल्स मतलब लॉ के वीकनेसेस का फायदा उठाना है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको इसी का तो पैसा मिलेगा। अरे भैया जब तक आप इनकम टैक्स के प्रोविजंस के साथ कुछ सेटलमेंट करके क्लाइंट को कुछ बचा के नहीं देंगे, तब तक वो आपको कुछ बचा के थोड़ी ना देगा, ठीक है। लास्ट टाइम मेरा आईटी रिटर्न डिफेक्टिव था, ठीक है, क्योंकि इतनी ट्रैवलिंग चल रही थी, मेरा ध्यान नहीं गया उस चीज़ पर। लास्ट मोमेंट में मैंने जिससे काम करवाया कि लंबा पैसा कमाया, वो कैसे, वो बोला सर जितना टैक्स हम बचाएंगे आपका, ठीक है, उसका हम 10% लेंगे, आपका TDS रिटर्न आ जाएगा। मेरा TDS रिटर्न 8 लाख रुपये का था, उसने 8 लाख का रिटर्न लाया, 80,000 की फीस ली, ठीक है। वो रिटर्न अगर टाइम पर फाइल हो जाता या मैंने बेवकूफ़ी नहीं की होती तो 8,000 रुपये में काम हो जाता, वो 80,000 रुपये लेके गया। अपॉर्चुनिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। इस बार मैंने पहले कर लिया, मैंने फोकटिया पैसा थोड़ी ना, इस बार पहले कर लिया।
तो ठीक है, मतलब देखो मैं बस वही बोल रहा था कि सोच आपको बड़ी रखनी चाहिए, इसीलिए मैंने बोला। मौके बहुत आएंगे, काटने का टाइम आएगा, है ना, अभी कटवाने का टाइम है। नेक्स्ट, इट इज फ्रॉडुलेंट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव ही फ्रॉड है, वो है ना लक्ष्मी चिट फंड, 21 दिन में पैसा डबल, ये कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव ही फ्रॉड है। नेक्स्ट, वो टीवी में भी आता है ना आजकल, गेम खेलो पैसे कमाओ, पूरा दुनिया समझ रहा है ऐसे ही पैसे कमाने यही तरीका है। तब तो फिर आदमी, हर करोड़पति आदमी तो गेमर होता, फिर गेम खेलो पैसे कमाओ। कितने लौंडे करते हैं यहाँ पे, सच बताना, झूठ नहीं बोलना। कितना कमा लिया तुम आज तक? 25,000। उसका क्या किया, उससे सब्सक्रिप्शन लिया क्या? तो उसका अब उसका क्या, उसका FD कराया, खर्चा कर दिया पैसा, बहुत अच्छा बच्चा है यार, बहुत अच्छा बच्चा है, वेरी नाइस। सीखो तुम लोग कुछ उनसे, तुम लोग भी हमको दे देना, कोई बात समझ के दे देना हमको, कोई दिक्कत नहीं। आना, इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू अ पर्सन और अ प्रॉपर्टी। अगर कोई आप ऐसा काम करते हो जिससे दूसरे आदमी की प्रॉपर्टी या दूसरे आदमी को हार्म हो, ठीक है, अब उसके घर देखो, बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं, अब उसने घर खरीदा, उसका सामने था ओशन व्यू, तुमने 40 तल्ला की बिल्डिंग बना दी सामने उसका, ओशन व्यू की मां बहन कर दी, नहीं कर सकते आप। और लोग करते हैं, लेकिन इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अगर सामने वाला केस कर देना जाके, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आजकल जितने फ्लैट्स तुम देखोगे सब साउथ फेसिंग होता है, उन लोग ने स्ट्रक्चर ही अलग बनाया। अभी हमने एक प्रॉपर्टी खरीदे हैं, स्ट्रक्चर का पोजिशन ही अलग है, 8 टावर हैं, लेकिन 8 टावर इस तरीके से बने हैं कि हर एक घर जो हो उसको ओपन एयर मिले। कंस्ट्रक्शन का तरीका उस तरीके का, वेरी ब्यूटीफुल टाइप ऑफ अ प्लेस। ये मैंने EMI में लिया है, ठीक है, खरीदा नहीं, बता दे रहा हूँ, बोलेगा सर आप अमीर हैं, सर नहीं। नेक्स्ट, द कोर्ट बिलीव्स इट टू बी इमोरल, ठीक है, मतलब जो एक्टिविटी आप कर रहे हो वो इमोरल एक्टिविटी है। जैसे सर इसमें एक एग्जांपल देता है वो लोग, मान लो इधर किसका इसका है, तुमको इनमें से कौन सी पसंद है? देख लो, कोई भी नहीं पता है, जब मौका मिले ना तो किसी को तो सिलेक्ट कर ही लेता। तेरे को क्या लगता है, लोग में से सच में कोई देती तेरे को पत्ता? छोड़ो तुम, किसी एक को भी सिलेक्ट कर ले, जल्दी टाइम नहीं है अपने पास, कोई भी, चलो ठीक है, आस्था हटाओ, ठीक है। अब मान लो आस्था और इसकी शादी हो जाए, ठीक है, फिर तुम्हारा नाम क्या है हीरो? आयुष। आयुष इससे प्यार में पड़ जाए, आयुष इसको पैसा दे रहा है, बोलता है हम तुमको पैसा दे रहे हो, तुम इसको डिवोर्स दे दो, फिर हमसे शादी कर लो। आयुष जो काम कर रहा है ना वो इमोरल एक्टिविटी है, क्योंकि वो पैसे से किसी के बीच का रिश्ता तोड़ रहा है। सेम एग्जांपल किताब में दिया हुआ है, देखना जाके इमोरल पे, राइट हैंड साइड है पेज में, पॉइंट के नीचे सेम एग्जांपल दिया, बस उन्होंने ए भी डाला है और हमने थोड़ा मसाला डाला है, ठीक है। नेक्स्ट, अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, वो जो जनहित में जारी नहीं है। अब ये जनहित में जारी के नीचे 7 पॉइंट दिए हैं एज एन अलग क्वेश्चन कि कौन सी चीजें जनहित में जारी नहीं होती। अब इसमें 1-2 पॉइंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, हम पहले उसको डिट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन है ना, बहुत भारी अंग्रेजी, बट बहुत भारी अंग्रेजी। स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है? सलमान खान अपने ड्राइवर को पैसा दे रहा है कि भाई सुन, तू पैसा ले निकल, दोबारा दिखियो मत, हम लोग ऐसा बोलेंगे कि तू मर गया, ठीक है, गाड़ी तू ही चला रहा था और तू मर गया, ठीक है, निकल, आना निकल गवाही देने के लिए। स्टॉपिंग द पर्सन टू एंटर द नॉर्मल प्रोसीडिंग, गलती से भी गवाही देने मत आना, स्टाइफल प्रोसिक्यूशन। अब आप इसमें ना कंफ्यूज क्या चीज में हो गए, इंटरफेरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, दोनों में फर्क क्या है पता है? इंटरफेरेंस और कोर्स ऑफ जस्टिस में वो डायरेक्ट जज को पैसा खिला रहा, क्योंकि तुम सोचो वो अमीरों के लिए, तुम सोचो कैमरा है CCTV, ये कैमरा है, इसमें दिख रहा है मैं पढ़ा रहा हूं, अब यहां पर मैं किसी को मारूं फिर वो मर जाए, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद भी अगर मैं बच जाऊं तो तुमको पैसे की ताकत पे भरोसा होगा कि है ना, कैमरा है, सलमान खान गाड़ी चला रहा है, दिख रहा है कैमरा में, उस गाड़ी से लोग मरे, हाई कोर्ट ने बोला सलमान खान है, सुप्रीम कोर्ट उसको फ्रीडम दे दिया, बाकी तुम समझ लो। अगर इसके बाद भी तुम्हें पैसे की ताकत पर भरोसा नहीं है तो क्या बोलूं मैं फिर, ठीक है। वो मूवी थी ना दे दनादन, या कोई एक मूवी थी जिसमें
कुछ एक सुनील शेट्टी था और साथ में अक्षय कुमार, वो बोला ना भाई देख ये कंट्री अलग है, अपनी कंट्री में अगर फंसे तो अगर किसी बड़े आदमी को जानते हैं तो बच भी सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं, सीधा मौत दे देता है। एकदम बात सही है, सटीक बात, ठीक है। तो स्टाइफल प्रोसिक्यूशन और ऊपर वाले में डिफरेंस समझना, ऊपर वाले में आप सीधा जज को ब्राइब कर रहे हो, स्टाइफल प्रोसिक्यूशन में आप एक पर्सन को रोक रहे हो कि वो जो कोर्ट में अपियर ना करे। उसके अलावा सर ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी, पाकिस्तान के साथ धंधा करना। नेक्स्ट मेंटेनेंस एंड चैंपियनशिप, ये बड़ा सही है। मेंटेनेंस में आप क्या कर रहे हो, आप किसी को पैसे दे रहे हो कि तू सामने वाले पर केस कर, उसमें आपका कोई फायदा नहीं है बट सामने वाले का नुकसान है ना, उसमें मजा आ रहा है, ठीक है कि भाई तू कर, इसकी गुडविल डैमेज हो रही है ना, उसका मेन एम ही यही है, उसको खुद का फायदा नहीं करना, सामने वाले का नुकसान कराना। आज के दिन में सोचो हल्दीराम में, ठीक है, पर कोई मिठाई में कीड़ा निकल जाए, गुप्ता ब्रदर्स वाला ये वाला चीज बहुत एडवर्टाइज कराएगा जबरदस्ती, कस्टमर को पैसा दे दे के तू कर, गुडविल डैमेज हो रही है ना, गुप्ता ब्रदर्स का आइडिया याद रखना, काम आएगा तुमको। नेक्स्ट चैंपर्टी, सर चैंपर्टी क्या होता है, अब दोनों में फर्क फिर समझना, यहां पर भी आप पैसा दे रहे हो सामने वाले को केस करने का, लेकिन यहां पर क्या है, आपको कुछ पीस ऑफ द एक्शन चाहिए, मतलब क्या है, अगर जीते एक हिस्सा मेरे को दो, ठीक है, बगल वाले में कुछ नहीं है, बगल वाले में जीतना है हारना कुछ नहीं, तू कर केस खाली उसका नाम बदनाम कर, मतलब ऐसे केस में इसको कांटेक्ट करेंगे हम लोग, रिपब्लिक टीवी का था ना, क्या नाम है इसका, अर्नब गोस्वामी, तू इज्जत उड़ा भाई सामने वाले की, मैं पैसा दे रहा तू कर, तू ऐसे भी चिल्ला के कोई भी बात, देखो इस देश में एक बात सच है, ठीक है, आप आस्ते कोई बात बोलो सच हो ना हो आदमी सोचेगा, चिल्ला के बोलो झूठ को भी सच मान लेगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने वाले में। उसके हिसाब से तो उसने रिया चक्रवर्ती को प्रूफ कर ही दिया था गिल्टी, मुझे ड्रग दो, ठीक है, उसने कर ही दिया था, ठीक है, उसको कोर्ट उठ की जरूरत नहीं है, वही जजमेंट कर दिया था वो, ठीक है। तो मेंटेनेंस और चैंपियनशिप में डिफरेंस याद रखना। ट्रैफिकिंग तो आप रोज देखते हो भैया, हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो हमारा बेटा भी करेगा, उसका भी बेटा करेगा और उसका भी बेटा करेगा, रिजर्वेशन, पैसे खिला के गवर्नमेंट जॉब लेना, पैसे खिला के अवार्ड लेना, ये सब ट्रैफिकिंग में आता है। फिर आता है सर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, जियो कौन कौन यूज करता है यहां पर, जियो जब पहली बार मार्केट में आने वाला था ना, जब पेड वाले वर्जन में, तो बोला था 10 GB एक दिन में देंगे 100 रुपया करके, ऐसा नेट पैक निकालेंगे 100 रुपया 30 महीने के लिए हर दिन 10 GB इंटरनेट। लड़के लोग खुश हो गए, तीन भर बैठ के YouTube देखे, ठीक है। वोडाफोन और एयरटेल ने अपोज कर दिया, बोला भैया इस रेट पर हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे, हम मार्केट छोड़ के चले जाएंगे। ट्राई को पता था कि अंबानी एक नंबर बिजनेसमैन है, अगर ये लोग मार्केट छोड़ के गए वो अगले 2 महीने बाद इसका प्राइस 1000 रुपया करेगा और कस्टमर फिर एक्सप्लॉइट होगा। तो फिर क्या किया, तीनों ने अपने रेट बढ़ा दिए, अल्टीमेटली हुआ क्या, कस्टमर एक्सप्लॉइट। वो इसलिए है क्योंकि कस्टमर की स्पेलिंग सी से शुरू होती है। कुछ भी हो कटेगा उसी, ठीक है। जब सबसे यूनिक बात है, कुछ भी होगा अंटिल भोगेगा कौन, कंज्यूमर। GST आया भोग कौन रहा, हम, ठीक है। नोटबंदी हुई भोग कौन रहा, हम। अभी 2000 की नोट बंद हुई पैनिक कौन कर रहा, हम। फटे फंसेगा कस्टमर हमेशा, उसको बनाया गया इसलिए तो स्पेलिंग सी से, वरना तो कुछ भी लिख सकते थे, बनाने वाले ने सी ही क्यों चुना, सोचना इस बारे में। दलाली वाला यहाँ पर आएगा, जो थोड़ी देर पहले मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट बोला था ना, दलाली वाला यहाँ पर आएगा। अरे आज भी ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, हैं? आज भी करते हैं, हाँ। अरे बनिया लोग को कंसल्ट करते हैं, मेरी मम्मी को कल फोटो भेजा एक लड़की की इसके, और मेरी मम्मी मेरे को दिखा रही है। हम लोग तुम क्या मतलब, तुम लड़की देखो तो, अंधी है वो, ठीक है। वो थी नहीं अंधी नहीं, हमरे अरे उसको देख के हम अंधे हो जाएंगे, सकल न सूरत फिर भी खूबसूरत। अब क्या है, मम्मी लोग को इतना पता नहीं है ना फोटोशॉप। हम बोले एडिट किया हुआ है फोटो, मुंह पे 40 किलो मेकअप लगाई है, उसके बाद उसमें एडिट मारी है 4 फिल्टर। और फिर भाई एक चीज देखना, शादी के लिए लोग जो दलाल लोग रहते हैं ना, हम तो दलाल ही बोलते हैं इनको, ये लोग भी अपने प्रोडक्ट को हेवी सेल करते हैं।
कंडीशन वारंटी, बहुत गुणी लड़की है, जॉब भी करती है, एक तो जॉब बात पे इतना स्ट्रेस देंगे, जॉब भी करती है। तो एक बार मैंने ऐसे पूछ लिया जब भाई के लिए थे, क्या जॉब करती है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। अच्छा तो कितना कमा लेती है, 12,000 रुपये, बहुत हैवी जॉब करती है। एक काम करिए, उसको बोलिए वो जॉब छोड़े, मेरे पास जॉब करे, हम 15,000 देंगे पीपीटी बनाने का, ठीक है। जॉब करती नहीं, ये क्रेज है भाई जॉब का, तुम क्या समझते हो, जैसे लड़कों का है ना कि सरकारी नौकरी मिली तुरंत शादी हो जाती है, वैसे ही वो एक मीम नहीं आता है, पहले हमारे लड़के के लिए मना कर रहे थे घर में, एक सरकारी नौकरी फेंक के मारे तुरंत मान गए, बस वही वाला हिसाब है। लास्ट वाला सर, वॉइड वाले। अब ये वाला क्या आता है, ये कुछ ऐसे अग्रीमेंट हैं जो ऑलरेडी वॉइड है। अब यहां पर आप देख रहोगे इस बक्से में काफी कुछ लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा चलते हैं, क्यों, क्योंकि इस बक्से में दो क्वेश्चन है, एक जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना वो इसी में है, और भाई ये बड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि कभी ना कभी ये वेजरिंग घूम घूम के आता है, ठीक है। अभी लास्ट अटेम्प्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में भी वेजरिंग के ऊपर था, डिफरेंस बिटवीन में पूछ रहे थे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है। आओ सर, सर ये अग्रीमेंट्स ऑलरेडी वॉइड हैं, आपको सोचना नहीं, अपना दिमाग नहीं खर्चा करना, ये वॉइड हैं। सर कौन कौन से, सर कोई शादी के लिए रिस्ट्रेन, शादी में तीन जगह कॉन्ट्रैक्ट में शादी की बात हुई है, मैरिज ब्रोकरेज, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, तीन जगह मैरिज हुई है, चौथी जगह तुम लोग कर लेना। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, इसके ऊपर कल बहुत मुद्दा बन रहा था, आप क्या कोई बिजनेस करते टाइम किसी दूसरे को बिजनेस करने से रोक सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ अनअकैडमी का कॉन्ट्रैक्ट यह है कि बैंगलोर में मैं कहीं पर भी किसी दूसरे एजुकेशन सेंटर में नहीं पढ़ा सकता, ऑफलाइन में कर सकता हूँ, ऑनलाइन में नहीं कर सकता। तो ऑनलाइन में सर्विस प्रोवाइडर हैज टू बी अनअकैडमी ओनली, आई कैन नॉट टीच एनीवेयर एल्स। तो क्या ये रिस्ट्रेंट वैलिड है, हाँ, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में रिस्ट्रेंट है, एम्प्लॉयमेंट वाला इज वैलिड। नेक्स्ट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सर लीगल प्रोसीडिंग मतलब कोर्ट वाले, ठीक है। अगर मैं किसी को कोर्ट में अपियर होने से रोक रहा हूं, ठीक है, कि भाई तू मत जा, ठीक है, डिस्प्यूट कोर्ट में सबमिट मत कर, ठीक है, तो ये यहां पर आएगा। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है, स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन में, स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन में आप विटनेस को गायब कर दे, मतलब खत्म। यहां पर आप कोर्ट में केस एडमिट होने से पहले उसको पैसा दे रहे हो कि भाई जा ही, अब आपने दारू वारू पी के किसी को मार दिया, मतलब पूरा खत्म नहीं, तब पेल दिया एकदम अच्छे से रख दिया, स्टार में मिला धूमधाम बजा दिया, अब तुम उसको प्यार से अगला दिन मैसेज कर रहा थे भाई जो हुआ नशे में हुआ, मरम पट्टी करा दे, मैटर डिजॉल्व कर दे, फालतू में कोर्ट में मत घसीट हमको, लड़की गई नहीं लौंडे देखना शुरू कर देते हैं कौन आ रहा बाहर, ये इतने मतलब उतनी देर से सर लोग जा रहे थे कोई नहीं, वहां एक लड़की गई बस, तुम लोग हो बॉयज एकदम परफेक्ट, वही नोटिस कर रहे थे हम लोग, देखे जब अभी देखेगा कि नहीं, सब वही देख रहा है, हम इधर देख रहे थे, हम सामने देख रहे थे, नेक्स्ट हम देख रहे थे नकुल सर आइटम। अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट है जिसका मीनिंग अनसर्टेन है, कल 2:15 की क्लास में ये वाला करवा रहे थे आरटीपी में, ठीक है, आरटीपी में क्वेश्चन है अग्रीमेंट हुज मीनिंग इज अनसर्टेन इज वॉइड, कमेंट करो इसके ऊपर, कुछ कमेंट करने का बचा ही नहीं, इन्होंने पूरा सेंटेंस खुद ही लिख दिया। अगर कोई अग्रीमेंट अनसर्टेन है वो क्या है, वॉइड है, खत्म, बस उतना ही था। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, सर वेजरिंग क्या होता है, वेजरिंग एक सट्टा है, यहां पर एक अनसर्टेन इवेंट है, वो इवेंट के लिए ही हम लोग साथ में आए हैं, जैसे आज किसी का मैच है क्या, आईपीएल खत्म हो गया क्या, कल फाइनल है, कौन कौन पहुंचा फाइनल में, मतलब वो पांड्या वाला, वाह बढ़िया, कौन छोटा पारसी भी फिर बाहर हो गया, अफसोस अगले साल नेक्स्ट ईयर पक्का आना। सर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यही है कि कल के मैच पर आज हम लोग बेटिंग कर रहे हैं कि कौन जीतेगा, 10-10 रुपए लगा रहे हैं बैठ के कि कौन जीतेगा। देखो सीएसके को फाइनल में पहुंचना ही था,
ये पहले ही आईपीएल के पहले ही थे। हाँ चलो ठीक है। हाँ देखो अब ये बोल रही है जीतेगा, मैं बोलता हूँ नहीं, पांड्या जीतेगा लगे 100 रुपए की। अब ये हम लोगों के बीच में ये जो बेट लगी है 100 रुपए की, ये वेजर है हमारा आपस में, ये बेटिंग करने के लिए ही तो साथ में आए हैं। और ना तो उसको घंटा धोनी से फर्क पड़ता है, ना हमको पांड्या से कोई लेना देना है, हमें सिर्फ क्या है 100 रुपए से मतलब है कि जीतना है, इसको बोलते हैं वेजरिंग। सर वेजरिंग करना लीगल है लेकिन क्या है वॉइड है, लीगल है वॉइड है, मतलब आप उससे रिलेटेड कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब कल को अगर ये मेरे को जीतने के बाद भी 100 रुपए नहीं दी, हमारे लड़के लोग तो ऐसा ही करते हैं है ना, पहले बेट लगाया जीत गए भाई पैसा, अबे हट पैसा क्या चीज का लेगा, दोस्त दोस्त में पैसा होता है ठीक है। हम तो अभी अपने भाई से उस दिन किताब की पेमेंट करवाए, मेरा UPI काम नहीं कर रहा था, हम इंटर का एक बुक लॉन्च कर रहे हैं तो पेमेंट करवाया हम उसको, फिर हम घर वापस गए हमसे पैसा मांगा, बोले कैसा पैसा, हम तेरा भाई है, भाई से कोई पैसा लेता है, फिर जाके मम्मी को बोलता, मम्मी मेरे को बोली इसको पैसे दे दो, हम बोले मम्मी तुम्हारा बेटा है ना वो, हम भी है ना, तुम दे दो दम सीधा, फिर मम्मी दे दी 15,000 रुपये उसको, मम्मी मेरे को बोली, हम बोले मम्मी हमसे पैसा लोगी तो ये सब कमाया किसके लिए गया, मेरे लिए तो है, 15,000 बच गए ठीक है। तो सर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में लॉटरी भी आती है, कार्ड गेम भी आता है, कार्ड शो भी आता है, रेस हॉर्स भी आता है। याद रखने वाली बात क्या है यहाँ पर सुनो ठीक है, जो कार्ड गेम होता है ध्यान से देखना, जो कार्ड गेम होता है, जो गेम शो होता है, अगर बेटिंग का अमाउंट 1,000 रुपए के ऊपर तो वो वेजर है, 1,000 रुपए के नीचे हुआ तो वेजर नहीं है। घोड़ों की रेस में उल्टा है, 1,000 रुपए 500 रुपए के नीचे हुआ तो वेजर है और ऊपर नहीं है। इसमें एक लौंडा एक बार पूछता है सर गधे की रेस का क्या तो मैंने भी एकदम सही जवाब दिया, बोले तुम दौड़ते थोड़ी ना जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर ठीक है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो वेजरिंग के हेडिंग के अंदर नहीं आती। सर पहला सर चिट फंड, थोड़ा 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 कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे फिर जब मेंबर को चाहिए होगा देंगे। मम्मी लोग आज के जमाने में इसको किटी पार्टी बोलते, लोटो हाउस ही खेलती, समोसा वमोसा खाती है, फिर घर में आके बोलती जो मम्मी वाली का क्या ना, हाँ जो मधुरिमा है बहुत कंजूस, अपनी भाभी को भी ले आई किटी में, हम कभी कभी सुनते रहते हैं ना अंदर, मम्मी बाहर बैठती बात करती, हर दिन जब किटी पार्टी के बाद आएगी तो बिचिंग पक्का ठीक है। अब परसों गई थी और मेरा 3 बजे कोई क्लास नहीं था, इत्तफाक से वापस आई फोन में बात करी, ये कोई तरीका है भाभी को लेके आ गए, समोसे कम पड़ गए, पूरा आधा घंटा सुना मैंने, फिर मैं बाहर आके बोलता हूँ मतलब मुद्दा सिर्फ इतना सा था कि समोसे कम पड़ गए ना, ऑर्डर कर लेती 20 रुपए के लिए इतना क्या रो रही हो, तो बोलती है बात समोसे का नहीं बात प्रिंसिपल का, हमने बात तो सही है। तो कभी कभी ना आपको ना अपनी मम्मी की कॉन्वर्सेशन सुननी चाहिए, बड़ा मजा आता है, आप अपनी जिंदगी का ना दुख दर्द भूल जाते हैं थोड़ी देर क्योंकि भाई हमको क्या, हमको दर्द है पैसा ये वो, मेन दर्द समोसा है, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम बस कि एक समोसा कम पड़ गया क्योंकि भाभी जी आ गई गलत। नेक्स्ट, शेयर मार्केट में जो डीलिंग करते हो ना आप, वो वेजरिंग बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वो तो भाई लीगल है। आज मैं कुछ पैसे लगाऊं हार जाऊं या पैसे लगाऊं नहीं कमा पाऊं, NSE अगर तुम नहीं दोगे मैं सीधा कोर्ट में केस कर दूंगा यार जाके, ICICI बंद हो जाएगा फिर। नेक्स्ट, कार्ड गेम वाला लेस देन 1,000 वहीं से आ रहा है। और लास्ट वाला सर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस वेजरिंग नहीं होता। यहीं से क्वेश्चन आया है आपका कि इंश्योरेंस और वेजरिंग में डिफरेंस क्या है या इंश्योरेंस और कंटिजेंट में डिफरेंस क्या है, पता भी नहीं चला, 2 यूनिट खत्म हो गए ठीक है, Unit 4B खत्म, Unit 4B मतलब 3B ओवर, तो Unit 2 हो गया, Unit 3 हो गया। एक बार क्वेश्चन में वापस आओ, आओ सर टॉप क्वेश्चन में वापस चलते हैं, अरे ये बार बार खो कहाँ जाता है। हाँ देखो सर, डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कितनी बार, दो बार नहीं नहीं एक बार जो यहाँ लिखा है तो वो एक बार तो आया ही है, उसके बाद जो टिक लगा है तो मतलब वो दो बार आ गया वैसे करके ठीक है।
उधर आ गया वो, अच्छा उसके बाद फ्रॉड, डिफाइन फ्रॉड, वेदर साइलेंस विल अमाउंट टू फ्रॉड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कितनी बार? दो बार. रुको रुको और है, देखो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ प्रिविटी विद एक्सेप्शन, डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एक बार फ्रॉड, एक बार इन्फ्लुएंस, तो आपकी बार फिर से फ्रॉड. ठीक है, एक ही बार क्वेश्चन आया है, सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया है, देख लो. ठीक है, सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछने का कंटेंट बहुत कम है. डिफाइन क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है ऊपर, थोड़ा सा ऊपर किए थे. कितनी बार? अग्रीमेंट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तीन बार. इसीलिए बोलते समय पहले ही मुंह खोले थे उसी पर. फ्रॉड वर्सेस मिसरिप्रेजेंटेशन, फेवरेबल क्वेश्चन. ठीक है, अब यहां तक का पोर्शन आपने, और नीचे देखो लास्ट वाला कैपेसिटी. लेकिन ये कैपेसिटी वाला जो है ना, मैंने यहां पर ये इसलिए लिखा, ये एक्चुअली में कैपेसिटी पर क्वेश्चन नहीं आया. माइनर पर तीन चार बार केस स्टडी आई है. सृष्टि ने लैपटॉप खरीदा गुप्ता जी से, वो एक बार का केस स्टडी है. उसके बाद लास्ट टाइम वो अनसाउंड माइंड वाला कैपेसिटी वाला आया चाची के साथ December 22. तो इस बार भी दादी थी. अच्छा, तुम लोग को रिलेशनशिप ज्यादा समझ में आता है, तुम्हारा है ना लॉजिकल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन. अच्छा, कैसे पढ़ते हैं उसको, कि मामा का चाचा का दादा का नाना कौन है ये. देखो हमको सिर्फ इतना पता है कि हम अगर हम हैं, मेरी शादी होगी वो मेरी बीवी होगी, नौरा. हमारा जो बच्चा होगा वो हमारा सन होगा, डॉटर होगी अगर बेटी हुई. उसके बाद हम थोड़ा सा टूट जाते हैं और इसके पहले तो हमने कभी सोचा ही नहीं. ठीक है, तो हम इतना ही फैमिली ट्री तक रहते हैं. क्यों पता है? क्योंकि इंटरमीडिएट के लॉ में और टैक्सेशन में सिर्फ 2 डिग्री फैमिली जरूरी होता है. तो मेरे पिता, मेरी माता, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, यही फैमिली है. खत्म कहानी. इसके आगे सब दूर की फैमिली. ठीक है, इसके आगे सबको अवॉइड करिए. हमारी एक बच्ची है, उसका नाम है गौरी सुमानी, खुशी के नाम से लोग जानते हैं उसको प्लस में. बहुत ही अच्छी बच्ची है, मतलब इन द सेंस कि बच्ची बहुत परेशान है जिंदगी से और यूनिट 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से. ठीक है, उसकी जिंदगी का दर्द है यूनिट नंबर 4. उसी की वजह से हम लोगों ने कम से कम ये 5 बार कर दिया यूनिट नंबर 4, कि ये बच्ची का डर निकालना है. अब हम भी जिद्दी आदमी, एक चीज में पीछे लग जाता है तो लग ही जाता है. तो ये यूनिट नंबर 4 किस बारे में बात करता है सर? ये बात करता है परफॉर्मेंस के बारे में. ठीक है, इस यूनिट से भर भर के केस स्टडी पूछी जाती है. सबसे ज्यादा वो शीना की जवानी. ठीक है, कि एक परफॉर्मर है. ठीक है, ये केस स्टडी देखो, जब हम बोलेंगे तो कुछ लोग को याद आ जाएगा. एक परफॉर्मर है, वो भैया एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है कि एक जगह गाना गाने जाएगा 7 नाइट तक. एक रात को वो नहीं पहुंचता वहां पर गाना गाने के लिए. ठीक है, संगीतकार के लिए नहीं पहुंचता. अब उसके बाद उस पर बात क्या चलाते हैं कि अगर वो एक्सेप्ट कर ले रेस्टोरेंट वाला कि ठीक है गाना तू गा सकता है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो वैलिड हो जाता है. कंटिन्यूएंस बोलते हैं जिसको. वही कहानी है. आओ सर इसको करके खत्म करते हैं. सबसे पहले सर आता है हु इज लायबल फॉर परफॉर्मेंस. कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? प्रोमिसर प्रोमिसी दोनों. सेक्शन नंबर 37 क्या बोलता है कि प्रोमिसर एंड प्रोमिसी शैल परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट अंटिल अनलेस कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ना हो गया. डिस्चार्ज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट खुद से खत्म ना हो गया हो. देखो सर, अब या तो परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी या अटेम्प्टेड. अटेम्प्टेड क्या? कोशिश किया पूरा नहीं हुआ. अटेम्प्ट दिया सीए फाउंडेशन का, नहीं निकला. दैट इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. दिया, निकल गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस. इंटरमीडिएट में पहुंच गया. हाँ जल्दी बैठ. सेक्शन 38-39 में एक चीज नोटिस करना, डरना नहीं. यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में रहती है और उसी का इंस्टीट्यूट फायदा उठा देता है. सेक्शन 38-39 में 38 क्या बोलता है कि प्रोमिसर ने अगर बोला है कि चल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन प्रोमिसी मना कर दे. कौन मना कर दे? कौन मना कर दे? प्रोमिसी, कि नहीं नहीं करना. प्रोमिसर डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है. लेकिन 3 कंडीशन होनी चाहिए. पहले जो उसने ऑफर दिया परफॉर्म करने के लिए, वो अनकंडीशनल होना चाहिए कि ठीक है चल करेंगे. प्रॉपर प्लेस और टाइम पर होना चाहिए. और सोगा,
अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई गुड्स की डिलीवरी की बात है तो सामने वाले को रीजनेबल टाइम मिलना चाहिए कि वो गुड्स को मैच करके सैंपल से चेक कर सके। ये तो सोगा से ही पॉइंट उठ के आया है। नेक्स्ट 39 क्या है? 38 में प्रॉमिसी मना कर रहा है, 39 में प्रॉमिसर मना कर रहा है, याद रहेगा ये? नहीं है तो लिख लेना। 38 में प्रॉमिसी मना कर रहा है, 39 में प्रॉमिसर मना कर रहा है कि सर मैं नहीं करेगा। तो प्रॉमिसी क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके डिस्चार्ज मार सकता है। लेकिन यहां पर देखो, मैंने हेडिंग में नाम लिखा है कंटिन्यूएंस। क्यों पता है? क्योंकि इसी पर केस स्टडी आता है कि मान लो अगर प्रॉमिसरी उसको अलाउ कर दे, इस साल की आरटीपी में भी है, अलाउ कर दे कि एक दिन वो नहीं आया गाना गाने के लिए कि बाकी दिन तुम आओ, तो क्या बाद में कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। एक बार अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिसी एक्सेप्ट कंटिन्यूएंस ऑफ परफॉर्मेंस वेयर द प्रोमिसर हैज फेल्ड टू डिस्चार्ज द इनिशियल परफॉर्मेंस, ही कैन नॉट डिनाई लेटर। मैंने इसको बोला तू 5 दिन क्लास आएगा, मैं तेरे को 5,000 रुपया देगा, हर दिन का 1,000 रुपया। पहले दिन नहीं आया, दूसरे दिन आया, अगर मैं इसको बैठने दे दूँ तो फिर मेरे को पैसा देना पड़ेगा और मैं बाद में इसको तीसरे दिन मना नहीं कर सकता। या तो फिर उसी दिन दूसरे दिन अगर लात मार के निकाल दूँ तो फिर बात खत्म। ऐसा करूँगा नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट टू हार्ट। फिर आता है सर पॉइंट नंबर 40, कौन परफॉर्मेंस कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? पर्सनल स्किल, प्रोमिसर हिमसेल्फ। अगर देखो, मेरा टीचिंग मेरा पर्सनल स्किल है। अबे मैं अपने सारे के सारे नोट्स दे भी दूं ना अगर किसी और को, सारे क्वेश्चन भी दे दूं, तो भी मेरी तरह नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल स्किल है। मेरे से अच्छा कर लेगा, मेरे से एक लेवल नीचे कर लेगा, लेकिन मेरे लेवल पर नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? मेरे लेवल पर उस हाई पिच पर बोल पाएगा बिना माइक के भी, माइक की फीलिंग देखे, ठीक है ना? मेरे लेवल पर काम कर पाएगा, या मेरे से बहुत अच्छा कर देगा या मेरे से खराब, लेकिन मेरे लेवल पर नहीं कर पाएगा, क्योंकि टीचिंग एक क्या है? पर्सनल स्किल है। नकुल सर का पढ़ाने का तरीका अलग है, जतिन सर का अलग है, मेरा अलग है, आदित्य सर का अलग है, सबका अलग अलग है, ठीक है? पर्सनल स्किल है। और सर अगर पर्सनल स्किल नहीं है तो कौन परफॉर्म कर सकता है? फिर एजेंट भी कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। क्वेश्चन आता है थर्ड पार्टी का, जो दोनों तुमको पता है उस पर नहीं पूछेगा, जो तुमको नहीं पता है उस पर पूछेगा। तो क्या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है? हाँ, मैं बीमार था, ठीक है, बच्चों ने मेरा देख के सब्सक्रिप्शन लिया था, उन्होंने पूछा सर बीमार हैं, सर की जगह किसी और से पढ़वा दें तो चलेगा? बच्चों ने अग्री कर दिया कि ठीक है टर्म निकालना है। अब उसने गलत सलत पढ़ा दिया, बच्चे फेल हो गए, मेरे ऊपर कुछ किया जा सकता है क्या? किसके ऊपर किया जाएगा? जो पढ़ा है उसके जाएगा। समझा क्या रहे हैं? थर्ड पार्टी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन पहले प्रॉमिसी से पूछना, पूछने के बाद अगर थर्ड पार्टी और उसके बीच में कुछ हुआ, मेरा गला मत पकड़ना, आई एम आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद आता है परफॉर्मेंस बाय थर्ड पर्सन, जो मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये एक साथ में मतलब लाइन है, रेलगाड़ी है, 42, 43, 44, 45, 42, 43, 44, 45, पूरी कहानी सिर्फ एक चीज पर है, साथ में प्रॉमिस करेंगे, जॉइंट प्रॉमिसर्स। भाई टीवी में दिखाता है ना, जब दो लोगों की शादी होती है तो दो परिवारों के बीच में रिश्ता बनता है, ये परिवारों के बीच में रिश्ता बन रहा है जॉइंट प्रॉमिसर। क्योंकि देखो भाई, एक लड़की घर आएगी, कितने रिश्ते बनाती है वो, है किसी की पत्नी, किसी की भाभी, किसी की माँ। आरती संगी अगर माँ हो तो थोड़ा अजीब रहेगा, बट पांड्या भाव के हिसाब से सब कुछ चलता है, ठीक है? पांड्या सब कुछ रियलिस्टिक कर दिया आज के जमाने में, ठीक है, सब पॉसिबल है। तो इतने रिश्ते बनाती है वो साथ में, सब जॉइंट प्रॉमिसर है ना साथ में, सारे के सारे। तो जॉइंट प्रॉमिसर्स का सेक्शन है 42, 43, 44, 45। कहानी ध्यान से सुनना, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा प्रॉमिसर हो सकते हैं? हाँ। क्या हर प्रॉमिसर परफॉर्मेंस मांग सकता है? हाँ। लेकिन अगर प्रॉमिसी ने किसी एक को सिलेक्ट कर लिया कि मैं तुम ही से काम करवाऊंगा, ठीक है, मान लो मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो लोग पांचों जन प्रॉमिसर, लेकिन मैंने बोला तुमसे कराऊंगा, तुम्हारा नाम क्या बेटा? सुहानी। हम याद करने का कोशिश कर रहा है कि ऐसा कोई स्टूडेंट पढ़ा नहीं, ठीक है? तो मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैं सुहानी से कराऊंगा अगर, ठीक है, तो बाकी चारों जन डिस्चार्ज हो गए कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन आपस में एक दूसरे से लायबल रहेंगे, ठीक है? अब मान लो पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने बोला सुहानी तुम चित्र बनाओगी ये लौंडे का, ठीक है,
हम पैसा देंगे, ठीक है सर? आप क्यों इसका चित्र बना रहे? कल को मरेगा तो हार तो चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो हम उसका चित्र बनवा रहे हैं। हमने सुहानी को बोला तुमको 3 लाख रुपए देंगे, तुम बनाओ। अगर कुछ गलत बना तो हम इस पे केस करेंगे। अगर 3 लाख रुपए दिए मैंने तो बांटोगे तो तुम लोग सब ना, ठीक है? तो तुम एग्जिस्टिंग वालों को हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहोगी। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां पूछता है, प्रोमिसर मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट में ये तीनों प्रोमिसर है, प्रोमिसी किसी एक से पैसा रिकवर कर सकता है? हाँ, एक से कर सकता है। लेकिन अगर इसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव आयुष है, ठीक है, ये मर जाती है, बेटा ठीक से घर जाना, ये मर जाती है, ठीक है, क्या सिर्फ आयुष से रिकवर कर सकते हैं? नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव समूह में लायबल होंगे, इंडिविजुअल पार्टनर अकेले भी पहला जा सकता है। एकदम सीधी बात है, इंडिविजुअल प्रोमिसर का अकेले गला पकड़ लेंगे, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव सबके लायबल होते हैं साथ में। सब मर गए तो एक सर, मान लो तीनों जन गोवा जा रहा था, गाड़ी खाई से गिर गया, तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से रिकवर होगा। अब गोवा मत जाना, अब गोवा कैंसल, गोवा कैंसल, ठीक है? हम लोग तो गोवा तक पहुंच के भी गोवा नहीं जा पाए थे, गोवा के तट तक पहुंच गई थी शिप, लेकिन उतरे ही नहीं हम, समझ ही में नहीं आया। हाँ, अरे भाई भर के बैठे हुए थे सब, तो शिप में ही आए। हमने मुस्कान को देखा, सामने से देखा, फिर मेरे को मन किया क्यों ही देख लिया, पूरा मन खराब हो गया। नौरा बेटा, वो जो इन्फ्लुएंसर दिखता है ना वहाँ पर, अच्छा तू सामने से देख लोगे ना, तुम्हारा इन्फ्लुएंसर जात से भरोसा उठ जाए, समझ ना? ऐसे सब देख लिया मैंने वहाँ पर, वीजे होस्ट, ठीक है, वीजे रेडियो जॉकी, सारे इन्फ्लुएंसर थे वहाँ पर, सबको मैंने देख लिया, पूरा समझ में आ गया इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत है, जो इनके शकल पर भी दिखता है साफ सीधा। मतलब एक लड़की का तुम फोटो देखो और उसको तुम एक्चुअल में देख लो, भाई इतनी गंदी दिखती है, ठीक है? यही जो ये मुस्कान का बात कर रही है, ठीक है, मैंने रियल लाइफ में देखा, मेरा इंसानियत से भरोसा हो, मैं मेकअप कुछ भी कर सकता, ठीक है? और रील वील बनाएगा तुम देखोगे लगे, अरे भाई क्या रील बनाया भाई, कसम से। अरे एक इन्फ्लुएंसर है, कोई 8 मिलियन या 6 मिलियन उसका फॉलोअर्स है, हाँ रील बनाती है, यही मेन काम यही है, मेन काम यही है, लेकिन पैसे मिलते हैं भाई, पैसे मिलते हैं, एक एक रील का 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए मिलता है, वो कमाने में आदमी को एक एक महीना, नौरा भी की थी ना अनअकैडमी का एक बार, याद है अनअकैडमी 1 इवेंट, सब पता है हमको, बता के ही की थी आना, हम ही तो हाँ बोले थे। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है? अच्छा, ये एरिया एक अनटेम्पर्ड एरिया है, आज तक इंस्टीट्यूट यहाँ पहुँचा नहीं, अब किस वजह से वो नहीं पता, बट पहुँचा नहीं, हाँ मतलब टाइम एंड प्लेस वाला, बट ये क्या है, बहुत आराम वाला एरिया है, खाली क्रॉस क्रॉस पर ध्यान देना, ठीक है? क्रॉस क्रॉस जहाँ लगा, सेक्शन 46 क्या बोला, आपके कॉन्ट्रैक्ट में टाइम पता नहीं है कि कब परफॉर्म करना है, ठीक है? और साथ ही साथ बोला है कि पूछ के आने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या है, आपने हेलो फोन किया, बोला हेलो मैम एसी रिपेयर करना है आपका, एसी सर्विस का टाइम हो गया, फ्री वाली जो होती है उसमें बहुत ईगर होते हैं वो लोग, एसी सर्विस करना, बोला ठीक है कल आ जाइएगा, मैम ने टाइम भी नहीं बताया कल कब, और फोन रख दिया, बोले कल आ जाइएगा बस। अब वो कब जाना चाहिए सामने वाले को, रीजनल बिजनेस हो, रात को 1 बजे थोड़ा, मैम 1 बज गया एसी निकाली है हम अभी फ्री हो गए, ऐसा थोड़ी ना होगा। ऐसे स्विगी जोमेटो वाले लोग, ये लोग कभी भी आ जाता है भाई, इनकी जिंदगी में सच में कोई मतलब, यही काम है इनका, बट 5 बजे भी डिलीवरी है, ऐसे कोलकाता में तो सुबह 5 बजे तक होता है। अभी कल हम रात में 4:45 पर डिनर ऑर्डर किए, 5:10 पे आ गया हो। कभी कभी हम भी सोचते हैं कितना मन में गाली देता हो, रात में भी ऑर्डर करता है बेसर हम, लेकिन ठीक है, रात का उन लोगों का वो सरचार्ज भी थोड़ा हाई होता, लेकिन पूरा 24 आवर सर्विस देता है ना। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, टाइम भी दिया है प्लेस भी दिया है, तो बिजनेस आवर्स में उसी प्लेस पर पहुंच जाओ, उसी टाइम पर जो बताया है वहां पर जाके परफॉर्म कर दो विद इन टाइम। अब उसने बोला भैया 10 बजे के अंदर आ जाना या फर्स्ट हाफ में आ जाना, तो फर्स्ट हाफ में आ जाना। तुमको क्लास का टाइमिंग देते ना
8:30 बजे 8:30 AM क्लास सुबह चालू हो जाएगा, तो 8:30 AM आपको रिपोर्ट करना। YouTube में पढ़ाने में कंफर्ट है, प्लस में पेनल्टी लग जाता लेट होने से। YouTube में सही है। कल जेडी सर 7 बजे की क्लास 7:15 पे शुरू किए थे ना, हम थे चैट दोनों में। हाँ नहीं, प्लस में 15 मिनट कैसे लेट करेंगे। और पता है जब फोन में बात करता तो क्या बोलता है, सर हम तो हमेशा टाइम पर जाते हैं। अच्छा किसकी घड़ी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की दुबई के हिसाब से? तो वहीं पे बैठे रहते क्या? हाँ वो बात तो हम देखा भी है एक दो बार, 7 बजे सुबह उठ जाते सर। हाँ एकदम पक्का डॉट, 7 बजे सुबह उठ जाते, रात को तुम 10:30 के बाद फ़ोन कर लो, बहुत आ जाएगी, उठाएगा नहीं। हम लोग अभी रात में 10 बजे मीटिंग करते हैं ना, वो यूट्यूब पर जो रहती है, नकुल सर खाली बैठे रहते भागने की तलाश में, पहले हम बोलेंगे। इस बार हुआ, हम बोले पहले नहीं, अब आप सबसे आखिरी में बोलेंगे 11 बजे तक। ये हमर जेडी सर तो रात में 3 बजे तक जगते, 3:30 बजे तक स्टैंडर्ड रहता है हम लोग का। कल भी रात में हम लोग यही यूट्यूब का कुछ डिस्कस कर रहे थे कि अगले महीने का प्लान क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, या कभी कभार तो फालतू की बातें करते रहते हैं। फैक्ट बात है, हमें समझ में नहीं आता उनके पास इतना टाइम कैसे, उनके पास तो बीवी और बच्चा दोनों है, मेरा तो चलो हम वेले हैं। हम समझता है कि थोड़ा नोट्स वोट्स लिखने के बाद हम फ्री हो जाते हैं, उनका पास तो दोनों है, बट ठीक है तो है। नकुल सर इस बात में बहुत पंचुअल है, वो सो जाता है टाइम से, वैसे ही बनो, रात भर लड़कीबाजी करता रहता है। नेक्स्ट फिर आया सेक्शन नंबर 48, क्या बोलता है, अप्लाई बिफोर परफॉर्मेंस। आपको बोला है पूछ के आइएगा, तो आपको पहले फोन करके क्या करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। अब डायरेक्टली आके घंटी बजा रहा, टन टन आ गए मैन, आए पूछ रहे, नहीं करना चाहिए भाई, तुम्हारा ही नुकसान होगा उसमें। एक्वागार्ड वाला यही करता है पता है, घर के नीचे आके फोन कर रहा है, सर ऊपर आए, अब तो आ ही गया भाई, अब घुस जा आके। अब प्रॉब्लम क्या है ना, आप घर में अकेले हो, अब उधर कोई आदमी है किचन में, तो अब वो चोर ना भी हो पर आपको लगता है, बचपन से सिखाया गया कि घर में किसी और को अकेला नहीं छोड़ना, तो अब यहाँ पर आदमी पढ़ाए कि उधर एक्वागार्ड वाला पानी निकाल रहा हो देखे बैठ के। नेक्स्ट 49, प्लेस नहीं दिया हुआ है, ये तो सबसे ईजी है। अगर आपको डेस्टिनेशन नहीं पता है तो कभी कभी होता है ना, ऑर्डर में आप पूरा एग्जैक्ट एड्रेस नहीं लिखते हो, या बिल्डिंग या फ्लोर नहीं लिखते हो, तो वो फ़ोन नहीं करता आपको पूछने के लिए कि सर कौन से फ्लोर में है, मैं यहाँ खड़ा हूँ कहाँ जाना चाहिए। ऊबर वाला है ना, वो तो अलग हैरेसमेंट है, ठीक है। आज नहीं, इस देश में ऊबर ऑर्डर, ऊबर या मोटर बुलाने ना बहुत बड़ा हैरेसमेंट है, क्योंकि वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है नेविगेशन, वो यूज़ ही नहीं करते। आप कहाँ है बताइए, दिख रहा है लोकेशन, देख ले, ठीक है। और एक हम दिल्ली गए, हमको वहाँ का कोई अंदाजा नहीं, कुछ नहीं पता दिल्ली में, पहली बार कदम रख के, वो हमसे पूछ रहा है कौन से मार्ग में खड़े हैं आप। हम बोले कहाँ पर दिखा रहे हैं आप। बोला अरे आप ऐसे बता दिए। हम बोले अरे पहली बार आए हैं दिल्ली। बोले किसी से पूछ के बता दीजिए, तू नेविगेशन नहीं देखेगा मतलब, मैं मेहनत कर लूं, तू नहीं करेगा। इन लोग ठीक से पढ़ाई नहीं किया है लोग, मतलब ये लोग ऐसा सोचता है ना, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं दुनिया में। आई सही बात, पर तुम तो ऑटो तुम फिर ऑटो क्यों चला रहे, खूबसूरत लड़की लोग से मिलने के लिए। देखो मोटिवेशन कहीं भी मिल सकता है ना, सही बात। लास्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैनर। अभी इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस में रेकमेंड किया है ना कि हम लोग इंटरमीडिएट में हर पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यू इंट्रोड्यूस कर दें, 30-30 नंबर के, ठीक है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीका ही तो है एग्जाम लेने का। और पता है ये क्यों कर रहे हैं, एक नियर फ्यूचर बताता हूँ मैं आपको, आज से 3 साल CA फाइनल के सारे पेपर MCQ हो जाएंगे। हाँ आज से 3 ईयर्स के अंदर सबके, बिकॉज दिस इज हाउ पेपर्स आर टेकन इन फॉरिन कंट्रीज। आपको अगर अपने कोर्स को उस लेवल पर लेके जाना है, दे विल सूनर और लेटर डू दैट। आप अगर हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो मैंने उसमें बताया ना, देखा होगा आपने, मैंने दिखाया कैसे कैसे धीरे धीरे हर एक कंट्री जाके वो मेमोरेंडम साइन करके आ, पहले UAE गए, थाईलैंड गए, मॉरिशियस गए, सारी डेस्टिनेशन मैंने आपको बताई।
पर्पस क्या है पता है? बैंकॉक बोल दिया। पर्पस क्या है पता है? ये खाली चाहते हैं कि थोड़ा सा बढ़े स्कोप और बढ़े, आईसीआई का वैल्यू बढ़े। तो उसके लिए तो आपको सिलेबस को उसी लेवल पर लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज समझो, आप बोल रहे हो आपके सीएस का वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो वो भी तो चाहेंगे कि उनका यहां पर बढ़े। गाड़ी तो दोनों तरफ चलनी चाहिए ना, एक तरफ थोड़ी ना, एक खाली तुम्हारा तुम्हारा तुम बेनिफिट ले लो, हमको कुछ ना मिले, वैसे तो नहीं होगा ना। तो 3 साल है, पहले सीए फाइनल का सारा पेपर एमसीक्यू होगा, ठीक है, फिर इंटर का। लेकिन फाउंडेशन आज से 3 साल में, ये बात सुन के भी याद भी रखना, ऑल पेपर्स विल बी रिटन, ऑल सब आज से 3 साल के अंदर। नहीं अगर दम है तो पहले ही निकल लो, बीच में मत अटकना। बस तुम फाउंडेशन निकल लिया, हम तुमको सीए पक्का बनवा देंगे। अगर फाउंडेशन नहीं निकले तो तुम पहले कुछ और ढूंढ लो, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। सीधी सी बात, साफ सीधी बात। वरना अभी क्या होता है ना, फाउंडेशन निकल जाता है, बच्चा इंटर में अटक जाता है। इंटर निकल गया तो अब तो वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अब उसको क्या दिख रहा है पता है? एक बार बस निकाल दे, बस एक बार हम सीए बन जाएंगे, वो ऐसा देख रहा है। तो एक बार की चाहत में ना आदमी ना छोड़ नहीं पाता उसको। और पता है कभी कभी भगवान भी झुक के दे देता है। हमारे जो सबसे बड़े बड़े वाले भैया, उन्होंने 6 अटेम्प्ट में फाइनल निकाला और वो इंटर में रैंक होल्डर है, ठीक है, इंटर में। देखिए उनके जो छोटे वाले भैया, वो किसी में रैंक नहीं है, लेकिन सब एक एक बार में क्लियर किए। अब उन्होंने 5 बार कर लिया था, उसके बाद उनका मन नहीं था, लेकिन बस उन्होंने एक बार दिया था। और वो आज भी बोलता है, भाई जितना मैंने 5 बार पढ़ा ना, उतना तो 6ठी बार पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि लिटरली सोच लिया था कि नहीं पास होना, ये कोर्स नहीं क्लियर होगा, और उस टाइम हो गया। हम बोले इसी को खिलवाड़ कहते हैं, ठीक है। हम बोले तुम 6 बार कोई चीज़ पढ़े हो, गधा भी नहीं भूलेगा उसको, क्या चेंज हो जाएगा उसमें? वैसे ही अब तुमको ही अगर हम बोले कि 6 बार तुम फाउंडेशन दो, जस्ट इमेजिन, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फॉर्मूला भूलोगे फिर तुम? फिर वो तुम्हारे खून में चला जाएगा। क्योंकि 6 बार में तुम अगर हर अटेम्प्ट में 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, तो 6000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो ये सारे आंसर तुमको मुंह जवानी हो जाएंगे कि सर बोलेंगे एज पर पूरा आता फिर हमको, क्योंकि हर अटेम्प्ट में 4 बार किया होगा। ऐसे हम तो ऐसे ही बोलते हैं, जो बच्चा अगर 6 बार पढ़ा, हालांकि 6 बार फाउंडेशन कोई देता नहीं, ठीक है, हर अटेम्प्ट में मैं 1 लॉ 6 बार कराता हूँ, 1 एक्ट 6 बार, वो 6 बार किया हो तो 36 बार किया होगा, 36 बार में तो किताब लिख देगा खुद की, ठीक है। पर इतना लंबा कोई जाता नहीं है। तो इसीलिए ये नया आज से 3 साल बाद होने वाला है। तो द मैनर विल बी एवरीथिंग विल बिकम ऑनलाइन एंड एमसीक्यू बेस्ड। मजा आएगा। अच्छा ये भी एक प्रपोजल है पता है, एग्जाम एट होम, आईसीआई का प्रपोजल है एग्जाम एट होम, इसी स्कीम में है एग्जाम एट होम, कि बच्चों को मौका दिया जाए घर से एग्जाम देने का। अब तुम्हारे दिमाग में आया, हाँ एकदम चीटिंग करेंगे। आईसीआई मूर्ख नहीं, उसके पास बहुत तरीके हैं, ठीक है। अब एग्जाम एट होम होगा तो उसमें वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा एमसीक्यू के मामले में। हर एमसीक्यू का, एक एमसीक्यू का लाइनअप ही, क्वेश्चन भी उसी तरीके होंगे, तो आंसर के भी मात्र आपको मिलेंगे 15 सेकंड। अब 15 सेकंड में अगर दाएं बाएं गर्दन घूमी, ऊपर नीचे, प्रॉक्टर टेस्ट होगा वो, ठीक है। दाएं बाएं जरा सा भी चूचा हुआ, पूरा पेपर खत्म हुआ, पता चला नेगेटिव, खत्म, 0, वापस से अगला अटेम्प्ट, ठीक है। तो बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, सीएमए ने तो करके देखा था ना, ट्राई तो किया सीएमए वालों ने, चल तो गया, ठीक है। ऑनलाइन में थोड़ा बहुत चीटिंग वूटिंग कर लिया, लेकिन फिर भी पासिंग परसेंटेज तो बढ़ा नहीं पाए। तो इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अब कुछ भी बताओ तो सर टीचर को ही बैठा लेंगे लाके बगल में, अच्छा इतना वेला है तेरा टीचर, और चल मान ले अगर बैठ भी गया, ठीक है, वो जब तक क्वेश्चन पढ़ के वहां से दिखाएगा, कुछ तो तरीका होगा ना जिसमें तो, अब तुम ऊपर देख रहा होगा तो भी प्रॉक्टर देख रहा है, तुम नीचे आंखों से पता चल जाए। हाँ वो सॉफ्टवेयर जो वहां पर बैठा है ना, उस पर स्प्लिट का फीचर ही नहीं होगा, सब अपने आप को 30 बार खान समझते है ना। इंस्टीट्यूट वाले तो वहां पे बैठे हुए दाल छील रहे बैठ के, है ना। रेसिप्रोकल प्रॉमिस,
सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब उल्टा, ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब साइमल्टेनियस, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूं बदले में तुम मेरे लिए कुछ और कर दो साथ साथ। अब देखो सर यहां पर 51 और 52 में बच्चे गजब कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। 52 बोल रहा है कि साइमल्टेनियस का एक ऑर्डर होगा परफॉर्मेंस का, ऑर्डर मतलब पहले तुम करो फिर मैं करूं या हम लोग साथ साथ करें, पहले तुम 95% लेके आओ तब फोन दिलवा देंगे या धीरे धीरे बिल्डिंग में एक एक फ्लोर बनता जा रहा है, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते चले जा रहा है, बिल्डर लोग आजकल घर ऐसे ही बेचता है। उस ऑर्डर का एक एग्जाम्पल है 51, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस, साथ साथ तुम भी करो मैं भी करूंगा। अच्छा सर अगर साथ साथ है और एक पार्टी दूसरे पार्टी के परफॉर्मेंस को प्रिवेंट कर दे तो फिर दूसरा रिस्पॉन्सिबल होगा क्या करने के लिए? नहीं। अगर मैं आपके घर में पेंट करने के लिए आ रहा था और आप पेंट ही नहीं लेके आए तो मैं करूंगा क्या? मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ वन पार्टी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, अगर किसी एक पार्टी की गलती है जिसने अपने ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया दूसरा रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? नहीं। आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया लेकिन आपने क्लास के टाइम पर लॉग इन ही नहीं किया, आपने कोर्स देखा ही नहीं, तो आप क्या आप अपना पैसा वापस मांग सकते हैं? पैसा वापस नहीं मिलेगा, पैसा दो भूल जाओ, ठीक है। आइए, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म विद इन फिक्स टाइम, ठीक है। अब मान लो जैसे हमारी जो दीपा है, ठीक है, दीपा के ऊपर एक टाइमलाइन, इस बार अगर दीपा ने फाउंडेशन नहीं क्लियर किया तो शादी, ठीक है। दिस इज इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म विद इन फिक्स टाइम, अगर फिक्स टाइम के अंदर नहीं हो पाया, इस साल के अंदर अगर फाउंडेशन नहीं क्लियर हुआ तो अब और सीए नहीं देगी, शादी, हम लोग जाएंगे पराती बन के अब इस बार। सबसे इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इम्पॉसिबिलिटी कितने तरीके की होती है? दो। कौन कौन सी? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट, जिसका दूसरा नाम है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, सुपरवीनिंग में वॉइड एब इनिशियो नहीं, सुपरवीनिंग में सिर्फ वॉइड, ठीक है, देखो लिखा है यहां पर। अच्छा अब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के मैंने देखो तीन वेरिएंट बनाए, तुम लोग देखो दिमाग से ये वेरिएंट आ रहे हैं कि नहीं। इफ नोन टू द पार्टी, दोनों पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए उनको पता है ये इम्पॉसिबल है तो वो क्या होगा? वॉइड। इफ नोन टू वन पार्टी, एक को पता है सामने वाले को नहीं पता है, एक दूसरे को चूना लगा रहा है बैठे बैठे, उसको पता है कि ये जो रामदेव बाबा का दंत कांति है इसको 2 साल ब्रश करने के बाद दांत गिर जाता है लेकिन फिर भी सामने वाले को बेच रहा है, क्यों? कमीशन मोटा मिल रहा है। आप लोग में से कौन कौन दंत कांति यूज करता है? सच बोलना, झूठ मत बोलना, फाउंडेशन अटक जाएगा। सच सच, दंत कांति कौन कौन यूज करता है? हाथ उठाओ, अभी उठाई थी ना तुम, फिर नीचे कर दी, ये बेचारी एक ही, और तुम लोग बाकी ब्रश ही नहीं करते। हम लोग तो मुंह ही नहीं धोते हैं, बस एक ही प्रोडक्ट है दंत कांति वाला। वेरी गुड, करो बेटा 2 साल हो गए करते हुए, उससे ज्यादा हो गए, चलो दांत दिखाओ, भरोसा ही नहीं है। चलो, इफ अननोन टू बोथ द पार्टीज, अगर दोनों को नहीं पता तब तो पहले वाला ही आए, वॉइड ही होगा। हमें पता ही नहीं था कि यहां पर बिल्डिंग नहीं बन सकती, बनाया गिर गई, अब पता चल, ठीक है। अच्छा, रेसिप्रोकल टू डू समथिंग, अच्छा यहां पर क्या है सर, अगर मान लीजिए एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लीगल है और एक पार्ट इलीगल है, स्मगलिंग करेंगे, स्मगलिंग से पैसा कमाएंगे, उससे गरीब बच्चों को फ्री में स्कूल में पढ़ाएंगे, टीचर लोगों का सैलरी भी तो देना पड़ेगा ना, उसी से देंगे, ऐसे अनअकैडमी सोचता है, अनअकैडमी सोचता है, काम करते हैं हम लोग, ड्रग्स की तस्करी करते हैं, उससे जो पैसा आएगा उससे गुप्ता जी को हायर करेंगे, क्लासरूम बनाएंगे, पूरी महाबली टीम पढ़ाएगी, पैसा देंगे बच्चों के लिए फ्री। पार्ट वाला लीगल है जो हम लोग को दिया जा रहा है और पार्ट वाला इलीगल है जो ड्रग्स की तस्करी कर रहा है। वैसे आइडिया अच्छा है, खराब है। ये नकुल सर का पोर्शन, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। लेकिन सर ये मजेदार बहुत है क्योंकि इससे केस स्टडी आया है, दातुमल और जो पार्टी का नाम है केस स्टडी में, दातुमल और सीतुमल ऐसा करके कुछ नाम है क्या ये 59 60 61, ये क्रेडिटर है मैं डेटर हूं, मेरे को इनको तीन
पैसे देने हैं, 2 लाख 4 लाख 6 लाख, 3 बिल बाकी है मेरे पेमेंट। मैं इनको 2 लाख रुपए देता हूँ, मैं बोल देता हूँ 2 लाख रुपए जो बिल है उसी के साथ एडजस्ट करना। तो जैसा डेटर ने बोला है वैसा ही इनको करना पड़ेगा। दूसरे केस में मैं इनको 2 लाख रुपए देता हूँ, कुछ नहीं बोलता, तो ये अपने हिसाब से जिसके साथ चाहे कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान एक चीज रखना है, टाइम बर्ड के साथ नहीं कर सकती। और जो चीज पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब वो चीज अभी सेटल नहीं हो रही, कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर नहीं कर सकते। और तीसरा एक और मैं बता देता हूँ जो किताब में नहीं है बट कॉमन सेंस है, अगर आपके डेट का अमाउंट किसी दूसरे अमाउंट के साथ मैच कर रहा है, 2 लाख और 2 लाख एग्जैक्ट है, तो उसी के साथ करना, प्रोवाइडेड टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। तीसरे केस में मैं इनको 4 लाख रुपए दे रहा हूँ, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा, इन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना, तो क्या आएगा, फिर कोर्ट आएगा, कोर्ट आके कुछ भी एडजस्ट कर सकता है, टाइम बार्ड वाला भी कर सकता है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट कैसे करेगा पता है, इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, समय के अनुसार। इस साल का MTP RTP लास्ट ईयर का पेपर, एग्जाम के एक रात पहले जो मैराथन होता है December 22 का, एक रात पहले, उसमें मैंने बोला था 1:30-2 बज रहे थे, नोवेशन और रिसेशन करके चले जाना, नोवेशन और ऑल्टरेशन वाला ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है पेपर में, 6 का A अगले दिन सुबह के पेपर में था, नोवेशन और ऑल्टरेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बच्चा मेरे को वापस आके बोलता है आपको पेपर पता था तो पूरा क्यों नहीं बता दिया। हम लोग एकदम चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस इसी बात पे, हम भी नहीं चाहते कि जो हम बताया हुआ है। वाह, मतलब कोई एफर्ट नहीं है इसमें मेरा, है ना, इतना एनालिसिस कर रहे हैं, माता फोड़ रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं कि पेपर क्या सेट करना है, क्या नहीं किया है आपने, वो सब नहीं, देख मेरा जुबान काला है तो आना है तो आना है। वाह, आइए देखो क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, कौन से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, नोवेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट में ये और ये पार्टी है, इसको हटा के उसको घुसड़ दे, पार्टी चेंज कर दे, नोवेशन, या इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ के फेंक दें, दूसरा बना दें, ये भी इनोवेशन, या तो कॉन्ट्रैक्ट नया होगा या तो पार्टी नहीं होगी, इधर ऑफ द टू। अच्छा, नेक्स्ट आया सर रिसेशन, रिसेशन में खाली क्या करते हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं, नया कुछ नहीं बनता, सिर्फ पुराना कैंसिल हो जाता है। ऑल्टरेशन, कुछ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंज करते हैं, 27-28 को मैराथन था, 28-29 कर दिया, ठीक है, ऑल्टरेशन में कुछ फैक्ट्स चेंज होते हैं, लेकिन दोनों की परमिशन होना जरूरी है अगर मटेरियल फैक्ट चेंज हो रहा है तो। ठीक है, रेमिशन और वेवर क्या होता है, माफी, आधा काम किया, आधा काम नहीं करवाना, माफी दे दिया सामने से, आपने 6 महीना का सब्सक्रिप्शन लिया था, ठीक है, 2 महीना हो गए, उसके बाद अनअकैडमी ने वो कोर्स हटा दिया, तो आपको पूरा 6 महीने का फीस या 4 महीने का फीस रिफंड मिल जाएगा, जितना काम नहीं किया उसके लिए लाइबिलिटी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट, ये 264 और 65 को थोड़ा इज्जत दीजिएगा, क्योंकि ये आजकल बहुत जगह पर घुस रहा है। ठीक है, ये देखो एक क्या होता है, जब केस स्टडी आता है ना, आप कौन से सेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपकी नॉलेज पता चलती है। ठीक है, कभी कभार आप कुछ लोग होते हैं ना पूरा सजेस्टेड आंसर्स के हिसाब से चलते हैं, सजेस्टेड में भी कभी कभार वो कुछ सेक्शन मिस कर जाते हैं, अगर वो सेक्शन आप एग्जाम में कॉइन कर देते हो ना, तो एग्जामिनर भी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाता है कि इसको इतना कैसे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज एक कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बनाता हूं एक एग्जांपल कि ये दोनों भाई हैं, ठीक है, और इन दोनों की एक प्रॉपर्टी है, फिर दोनों में से एक भाई ने बिना दूसरे को पूछे ये प्रॉपर्टी इसको बेच दी, ठीक है, इसने खरीद ली, ठीक है, ये इससे वो प्रॉपर्टी वरुण ने जबरदस्ती छीन ली, गले में चक्कू रख के इससे छीन लिया, ये वॉइडेबल है, आप लोग सबको समझ में आ गया, आपने वॉइडेबल लिखा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स लिखा, सब लिख के खत्म। अगर कोई बच्चा सेक्शन 64 का रेफरेंस देके ये बोल दे कि जितना भी पैसा लिया गया है एक दूसरे से इस ट्रांजैक्शन में, वो सब रिफंड करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 64 रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट,
वो उस बच्चे से पक्का ज्यादा नंबर पाएगा जिसने सिर्फ सेक्शन नंबर 27 को किया। ये होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब तुम बोलोगे सर उसमें तो लिखा है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या एज पर सोगा, पर उसने ये थोड़ी ना बोला कि आप दूसरे एक्ट का रेफरेंस नहीं ले सकते। रेफरेंस तो आप ले ही सकते हो। अब जो सेल कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड हुआ, वॉइड वर्ड कहां से आया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही तो आया है। तो इस केस स्टडी का आंसर मैं कैसे लिखता पता है? पहले सेक्शन 27 लिखता, फिर लास्ट में लिखता हाउएवर एज पर सेक्शन 64, अगर सेक्शन याद है तो, नहीं याद है तो डायरेक्ट ऐसे हाउएवर अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिक्लेयर्ड वॉइड द पार्टी शुड बी रिस्टोर्ड विद द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय देम। लिख दिया तो चमक जाएगा इंस्टीट्यूट के आंख में, हाँ चार चांद आ जाएगा आंसर में कि भैया इसको ये पता है। क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ, 10 में से 9 लोग नहीं करेंगे ये, क्योंकि पहली बात दिमाग में क्या आती है पता है? वो वाला लिखो जो पूछ रहा है, ठीक है, वही याद है, वही बहुत बड़ा बात है। दूसरा का रेफरेंस तो घंटा याद नहीं रहने वाला। बट पता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कहीं पर भी केस स्टडी हो जिसमें वॉइड और वॉइडेबल हो, 64-65 लगता है, ये चीट कोड है, हर जगह लगता है। कहीं पर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट वॉइड दिखे ना, रिस्टोरेशन 65 आ जाएगा, प्रोवाइडेड सामने वाले को कुछ मिल रहा हो या देना हो। देखो बगल में मैंने लिखा है सेक्शन 7 और 8 ऑफ सोगा, याद है, डैमेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मान लो मैंने, हाँ, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट, मान लो मैंने आपको एडवांस पेमेंट किया, उसके बाद ऐसा हो तो रिस्टोरेशन होगा ना, जितना पैसा आपने मेरे से लिया है वापस करना पड़ेगा ना। अब तुमने अगर ये सेक्शन लिख दिया 65 या इसका रेफरेंस दे दिया तो चार चांद लग जाएंगे। रेफरेंस में अगर सेक्शन ना भी लिख पाओ तो ऐसे लिख दो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉइड द बेनिफिट शैल बी रिस्टोर्ड टू द पार्टी, खत्म। एक सेंटेंस और तुम्हारे आंसर का लेवल यहां से आ जाएगा। दो सेक्शन तो है, कॉइन कर लो, वर्ड हुआ 65, वर्डेबल हुआ 64, खत्म, पहले जाना ध्यान, ठीक है। और याद कर लेना लिखने के बाद, घर में खसी के साथ आओगे। ये कॉन्फिडेंस होता है पता है क्या, कि मैं वो लिखा हूं जो मेरे को पता है जितने एग्जाम में यहां बैठे उन्होंने नहीं लिखा, तो ये एक अलग कॉन्फिडेंस लेके आता है। और इतनी बात कॉमन सी है यार कि जो तेरे पेपर में केस स्टडी आएगा किसी में तो वॉइड या वॉइडेबल आना ही है। तो कोई भी पेपर उठा के देख लो, वो लास्ट में पूछता ही ना, इज दिस अग्रीमेंट वैलिड, क्या ये वैलिड है, आप बताएं, आप पढ़े लिखे, अगर वॉइड है तो 65, वॉइडेबल है तो 64, ठीक है, ये चीट है याद रखना। 66 इज इजी, कम्युनिकेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ रिसेशन, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो सामने वाले को इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। 67, इफ प्रोमिसी फेल्स टू प्रोवाइड रीजनेबल फैसिलिटी टू प्रोमिसर, अगर मैंने, यहां पर मैं आया मैराथन करने, यहां ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या खुल्ला में बैठ के करेंगे क्या, जमीन में बैठेंगे क्या, पाठशाला है क्या, हो ही नहीं पाएगा, मैराथन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, तो फिर ये किसके ऊपर जाएगा, यान अकेडमी पर जाएगा, मेरे पर नहीं, मैं तो अपना पैसा उतना ही लेगा भाई, सीधा सा बात, एक दिन का ट्रिप का जितना पैसा बन रहा मैं तो पूरा लेगा, ठीक है, बाकी वो देना पड़ेगा अनअकैडमी को, काम हुआ चाहे ना हो, उन्होंने रीजनेबल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की, मेरी गलती थोड़ी ना, बाकी तो छतरी उतरी तो सब हम ही लेके आए, जुगाड़ देख रहे हो, ये हमारा और दिल्ली वालों का जुगाड़ है, हाँ सब मेरा ही है, यहाँ जितना सामान रखा है सब मेरा, सब मेरा जुगाड़ है। कल आके आधा सामान रख के गया था और आज सुबह आधा सामान लेके आया, इसीलिए जाते समय सब लपेट के जाएंगे। थोड़ा थोड़ा जगह बचा, स्क्रीन भी डाल लेंगे, बैठ नहीं देख रहा होगा इसको भी डाल, HDMI केबल तो पहले ही सोच लिया लेके जाना है, ये तो छोड़ के नहीं जाएंगे, आए हैं तो कुछ यादें साथ में जानी चाहिए, ठीक है। कितने लोग यहाँ पर हैं जो होटल जाते हैं सामान उठा लेते हैं वहाँ से, वॉशरूम में छोटा मोटा देता है ना, हाँ आदमी क्या बोलता है, ये तो हमारा है, पैसे दिए हैं इसके, उस दिन वो बैग नहीं चेक करते एयरपोर्ट पे खुला के, ठीक है, जब कुछ रहता है तो हमारे आगे एक आदमी था मास्क सूट वूट पहना हुआ भाई, एक सेकंड के लिए तो हमको लगा कि कंपनी का ओनर ओनर होगा, अब उसका ना बैग खुलवाया, उसकी ओनरशिप वही धरी की धरी, ओयो में जो छोटा छोटा शैम्पू वैम्पू नहीं देते, सैसे भी नहीं भाई, कुल्ला वाला जो रहता है वो स्टेपलर मार के रखा हुआ, ठीक है, इतने सा जो वो रहता ना गार्ड, वो भी उठा के हंस रहा, क्या फायदा हुआ इतना महंगा सूट पहनने का, औकात तो जाहिल वाली है, ठीक है। अरे हम एक बार पता है
गलती से जब आईटीसी में स्टे था, मैं गलती से कोम्ब लेके आ गया थे। मेरी मम्मी उस पर हमको इतना सुना दी, तू इतना गरीब है कंघा चोरी करके लाया। हमने अरे भाई वो नहीं किया था, गलती से चला गया था। पर ये बहुत लोगों की आदत। अभी करण जौहर फंसा था ना एक बार, देखा था उसमें भी न्यूज़ में आया था कि उसको पूछा था कि आप अपनी कोई बुरी हैबिट बताइए, बोले मैं होटल जाता हूँ तो होटल से सारा सामान लेके आ जाता हूँ। जब स्टार्स ऐसा कर रहे हैं तो देखा इसका इसको इसी में खुशी है। आइए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कैसे हो सकता है? डिस्चार्ज मतलब खत्म, ये लास्ट पोर्शन है। परफॉर्मेंस या तो एक्चुअल हो या तो अटेम्प्टेड। एक्चुअल मतलब हो गया, अटेम्प्ट मतलब कोशिश किया, ठीक है। म्यूचुअल अग्रीमेंट, आपसी सहमति, ठीक है, जो बिग बॉस के घर में कभी नहीं होती। नोवेशन, रिसेशन, ऑल्टरेशन, आपसी सहमति वो है। क्वेश्चन आया इसके ऊपर। इम्पॉसिबिलिटीज है, इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके की, इनिशियल या सुपरवीनिंग। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम बार्ड डेट वाला याद है, सेम एग्जाम्पल आ जाएगा। अगर डेट टाइम बार्ड हो गई ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं, वर्मा जी पैसा नहीं देंगे। नेक्स्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, हमने बोला था इन्हें पेंटिंग बनाने, ये मर गई, खेला खत्म, पर्सनल स्किल रिक्वायरमेंट था, ये टपक गई, मैटर ओवर, कुछ नहीं होगा तुमको, तुमको घर हम लोग खुद छोड़ के आएंगे। नेक्स्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर ये सब ये गंदा तरीका था तो लिखा ना बट डर्टी वे। अगर सामने वाले ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया, तुमने बोला डिलीवरी करने, मुंह पे बोला चढ़ नहीं करेंगे, जा जो करना हो कर ले, तो दिस इज ब्रीच। तो ब्रीच हुआ तो डैमेजेस देना पड़ेगा, बगल में लिखा यूनिट नंबर 6। फिर आया सर बाय रेमिशन, रेमिशन मतलब गिव अप, आप अपनी मर्जी से छोड़ देते हो। और लास्ट वाला सेकंड लास्ट है बाय एब्सेंस ऑफ रीजनेबल फैसिलिटी, ऊपर भी बोला। आपको लग रहा होगा ये पॉइंट रिपीट कैसे हुए, क्योंकि ये भी तो डिस्चार्ज करने के तरीके ही है ना, तो रिपीट तो हुई, लेकिन लास्ट वाला न्यू है, मर्जर ऑफ राइट। बहुत सिंपल है, सुपीरियर राइट इंफीरियर राइट को टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। आज ये प्रॉपर्टी अगर मेरे को रेंट पे मिली है और कल मैं ये प्रॉपर्टी खरीद लूं तो मैं ओनर बन जाऊंगा, मेरा रेंटल टेनेंट का राइट के ऊपर मेरा ओनर का राइट मर्ज हो जाएगा, चिपक जाएगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट का मैराथन इज ओवर, ठीक है। और आपको एक बार क्वेश्चंस फिर दिखा देते हैं। पहला वाला देखिए, कितनी बार, तीन बार, प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट प्रोमिसर्स एंड प्रोविजंस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड डेथ ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स आ गया। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस वो वेजरिंग वाला दिखाए, देखो थर्ड फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो कितनी बार, तीन बार, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, टाइप्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, इफेक्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ये तीनों ना इम्पॉसिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, मैंने एक साथ में जोड़ दिया उसको, ठीक है, सीरियल ऑर्डर में। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। उसके बाद अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, सेक्शन नंबर 14, मतलब क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म, दो बार पूछा गया है, तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। एंड अग्रीमेंट्स तो पहले ही बता दिया था। विद दिस वी क्लोज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दिस इज योर लिस्ट ऑफ 22 क्वेश्चंस, जिसको अगर आप कर लो तो 22 नंबर 22 क्वेश्चन में पूरे के पूरे समाप्त हो जाए। थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।